どうぞ。 हेलो गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स हम लोग ये आज का जो मोटिवेशनल सेशन है वी विल स्टार्ट इन इन फ्यू मिनट्स दो तीन मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये सेशन uh, कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे तो एक दो तीन मिनट वेट करेंगे देन वी विल स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन इन टू थ्री मिनट्स

गुड इवनिंग एवरी वन ओके तो आज uh, का सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सबसे पहले तो गुड इवनिंग सब बच्चे कैसे हैं आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आई थिंक मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन किया है तो वी विल डेफिनेटली स्टार्ट दिस सेशन इन फ्यू मिनट्स ओके तो बच्चों आज आपको पता है आज ट्वेंटी एट डिसम्बर है ट्वेंटी ट्वेंटी तो आज का दिन अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट दिन है और आप सभी को जैसे पता है कि हम लोग ये अपने एकेडमिक ईयर के मतलब ट्वेल्थ के टूवर्ड्स लास्ट सेशन में आ चुके हैं टूवर्ड्स ट्वेल्थ के एंड में आ चुके हैं आपको पता है कि जेई की एग्जाम के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं उसके साथ साथ अः बोर्ड एग्जाम भी होगी मे में मे के फर्स्ट वीक में टेंटेटिवली क्लास के प्रिलिम जनवरी से जनवरी मिड के बाद स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट प्रिलिम एग्जाम और उसके बाद बोर्ड एग्जाम उसके बाद सीई नीट ये बैक टू बैक एग्जाम्स आपके होने वाले हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आपके होने वाले हैं और थ्रू आउट द ईयर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते आ रहे हो हम लोग अच्छे से ट्राई कर रहे कि आपको बेस्ट आ, कोचिंग प्रोवाइड करे और हम लोग ने वो ट्राई भी किया आपने अच्छे से पढ़ाई किया टेस्ट सीरीज जो अपना चल रहा था वो आपने अच्छे से अटेंड किया आ, लेकिन बच्चों टूवर्ड्स द एंड हम लोगों को अच्छे से फिनिश करना है मतलब जो भी अभी आगे के इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आने वाले हैं अपने लाइफ में हम लोगों को कॉन्फिडेंटली वो फेस करना है और अगर हम लोगों को कॉन्फिडेंटली वो एग्जाम देना है तो मुझे लगा कि आप सब सबको या इनफैक्ट मुझे भी एक मोटिवेशनल सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है तो इसके लिए हम लोग ने आज आपके लिए स्पेशली ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए एक पावरफुल मोटिवेशनल सेशन आज अरेंज किया। और उस पावरफुल मोटिवेशनल सेशन को आ, आ, देने के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही आ, क्या बोल सकते पावरफुल मोटिवेटर को आज इधर इनवाइट किया है उनका नाम है श्री विनोद अनंत मेस्त्री सर तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे, दे रहा हूँ थोड़ा सा कि एक्चुअली क्या है कि उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाएंगे क्योंकि इतने सारे एक्टिविटी में वो कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहते हैं विनोद सर तो मैं शॉर्ट में उनका इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ ओके okay? तो विनोद अनंत मेस्त्री सर इज एम कॉम प्रैक्टिशनर लाइफ एंड बिजनेस कोच ही इज द डायरेक्टर ऑफ

तो आप देख सकते हो कितने वो आ, क्या बोल सकते हैं पॉपुलर है कितने वो आ, आ, उनका जो मोटिवेशन का उनका जो सेशंस है कितने ऑल ओवर इंडिया होता है तो उसके साथ साथ वो मुंबई पुलिस के ट्रेनिंग में भी बहुत एक्टिव रहते हैं उन उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मुंबई पुलिस के उनके एक्टिविटीज के बारे में क्योंकि मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना है आ, आज तक उन्होंने मुंबई पोलीस दक्षिण विभाग मुंबई पोलीस सेवा शाखा मुंबई पोलीस अकॅडमी हेड हेडक्वार्टर और महाराष्ट्रातील दहा पोलीस ट्रेनिंग मध्ये पंधरा हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांवर ही व्याख्याने घेतलेली आहे ठीक आहे आणि पाच मार्च त्यांचं विशेष म्हणजे पाच मार्च दोन हजार एकोणीस रोजी त्यांच्या कामाची दखल घेऊन गुजरात येथे लेखक आणि वक्ता म्हणून उत्तम कारण त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर पुरस्कार देण्यात आलेला आहे पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेला आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे युट्यूब आणि फेसबुकवर त्यांचे लाखो फॉलोअर्स तर अशा पॉवरफुल मोटिवेटरला मी आज आम्ही इथे इन्व्हाइट करतो तर मी रिक्वेस्ट करीन विनोद सरांना की सर प्लीज तुम्ही आमच्या मुलांना मोटिवेट करा आमच्या मुलांना चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन द्या ओव्हर टू यू विनोद सर थँक यू सो मच स्वप्नीलजी सर्वप्रथम या महाराष्ट्राचंच काय मी म्हणेन संपूर्ण भारताचं आराध्य दैवत आणि आपल्या सगळ्यांसाठी श्रीकालबाधित प्रेरणा असलेल्या छत्रपति शिवराया माजा माना सा मुजरा और मेरा ये स्पीच सुनने वाले आप सभी विद्यार्थी दोस्तों को और पेरेंट्स को मेरा प्यार भरा जय महाराष्ट्र जय हिंद दोस्तों आज का सेशन यानी कोई एक स्पीकर बुलाया गया है तो यहाँ पे कोई स्पीच होने वाला है जैसा अपन बगतो की अपने शाए मे को वक्ता ये तो तरीके स्पीच दे तो, और हम लोग फिर देखते हैं कि चलो दो घंटा अपने को सोना है सिर्फ तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मैं आपको कुछ लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ हाँ, आज ये दो घंटों का सफर जो मैं आपके साथ करूंगा इसमें आपको मैं ऐसी चीजें देके जाऊंगा जो सिर्फ आपको इस ट्वेल्थ के ईयर में नहीं आगे आने वाली जिंदगी में आपको बहुत ही यूजफुल होने वाली है बिलीव मी ये सेशन आपके लिए अनफॉर्गोटेबल होने वाला है और दलवी ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपको ये ट्वेंटी ट्वेंटी जाते वक्त एक बहुत बड़ा गिफ्ट रहेगा इसकी इसकी मुझे श्योरिटी है तो लेटर स्टार्ट विद द सेशन हम लोग सेशंस लेने के लिए या सीखने के लिए ऑल ओवर महाराष्ट्र हैं तो हर जगह पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो मैं एक में गया था और उस गांव में एक कीर्तन चल रहा था एक बड़े से मैदान में आपको मालूम होगा मराठी मराठी तो लोग सीखने जाए के सीखने के लिए ऑल ओवर महाराष्ट्र जाते हैं तो एक मिनट थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया को मिलता है तो मैं गांव में गया था और उस गांव में एक कीर्तन चल रहा था एक बड़े से मैदान में आपको मालूम होगा मराठी मराठी लोग सीखने के लिए ऑल ओवर महाराष्ट्र जाते हैं एक मिनट थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया को मिलता है तो मैं गांव में गया था और उस गाँव में एक कीर्तन चल रहा था एक बड़े से मैदान में आपको मालूम

साहिल सोहम साक्षी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चलो तो एक गाँव में गया था मैं वहां पे एक कीर्तन चल रहा था और जो कीर्तन देने के लिए जो महाराज आए थे ना वो बहुत ही प्रखर वक्ता थे यानी उनकी जो स्पीच थी ना वो स्पीच सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और वो पूरे गाँव के हजारों लोग उनका वो कीर्तन सुनने के लिए आए थे और उनका कीर्तन शुरू हो गया और सब लोग उसमें दंग हो गए यानी विठल नाम में सब लोग दंग हो गए बहुत ही बढ़िया कीर्तन चल रहा था और तभी महाराज ने एक ऐसा एक सब्जेक्ट निकाला एक टॉपिक निकाला जो हम लोगों किसी को भी अच्छा नहीं लगता वो टॉपिक क्या था तो महाराज बोले इस गांव का हर एक बंदा जो यहाँ इस मैदान में है और जो मेरा ये कीर्तन सुन रहा है और इनफैक्ट जो नहीं भी आया इस गांव का हर एक इंसान कभी ना कभी मरने वाला है विठल 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 अभी यार ये क्या हो गया यानी महाराज इतना अच्छा सब बता रहे थे और उसमें ये मौत का टॉपिक कहां से निकाला मौत किसे अच्छी लगती है सब लोग रोने लगे सब लोगों को लगा कि यार ये क्या महाराज ने कौन सा टॉपिक छेड़ दिया मौत तो किसी को अच्छी नहीं लगती और सब लोग रो रहे थे और उसमें एक बंदा था, जो जो था, था जो जोर जोर से हंस रहा था एक ही बंदा था जो जोर जोर से हंस रहा था तो लोगों को लगा यार ये क्या ये क्यों हंस रहा है यानी सब लोग मौत से डर रहे हैं सब लोग रो रहे हैं और ये अकेला बंदा है जो हंस रहा है यार क्या है यानी इसको मौत से डर नहीं लगता क्या तो महाराज ने उससे पूछा अरे क्या हुआ भाई सब लोग मौत का नाम सुन के रो रहे हैं और तुम अकेले हो जो हंस रहे हो यार क्या है यानी तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या तो वो बोला कि महाराज नहीं मुझे मौत से डर नहीं लगता तो क्यों क्योंकि आपने क्या बोला इस गांव का हर एक बंदा कभी ना कभी मरने वाला है विठल 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 वो बोला मैं इस गांव का हुई नहीं मैं बाजू वाले गांव का हूं यानी दोस्तों बहुत ही अजीब बात है अजीब सच है हम सबके जिंदगी का कि हम में से किसी को भी मालूम नहीं कि हम लोग कब मरने वाले हैं लेकिन जीते ऐसे हैं कि कभी मरेंगे ही नहीं चलो यहाँ पे जो सौ लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं पे जूम में और लाइव यूट्यूब पे भी और सौ डेढ़ सौ लोग होंगे तो आप में से कितने लोग जब ऊपर से नीचे आए तो भगवान से आप लोगों ने एक एग्रीमेंट लिखा है कि मैं अस्सी साल जीऊंगा नब्बे साल जीऊंगा उससे पहले आप हमें नहीं बुलाएंगे ऐसा किसी ने किया है क्या कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जिसने वो एग्रीमेंट लिखा है और वो आया है किसी को मालूम नहीं है कि मैं कितने साल जीऊंगा तो मैं कहा जन्म लूंगा कब जन्म लूंगा ये मेरे हाथ में नहीं था मैं कब मरूंगा ये मेरे हाथ में नहीं है लेकिन ये जिंदगी और मौत इसके बीच में मैं करूंगा क्या वो मेरे हाथ में है और बिलीव मी ये जो पीरियड है ना जिंदगी और मौत के बीच का इसके बीच में इतिहास रचने का सामर्थ्य हम सब में है लेकिन कोई कोई लोग ही वो रच पाते हैं और वो छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाते हैं छत्रपति शंभू राजे बन जाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बन जाते हैं ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो ये इतिहास रच सकते हैं आ एक स्वप्निल कुछ सामता है कि आवाज ब्रेक होता है तो आवाज ब्रेक होते का क्लियर होते तो है सगैंक

अपने एक जिंदगी में ये सब कैसे कर सकते हैं और फिलहाल तो हमारे ऊपर एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है ये ट्वेल्थ और जेई का एग्जाम और जो भी आप मेडिकल या इंजीनियरिंग uh, के लिए जो एंट्रेंस ट्राई करोगे आगे जाके दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर लाइफ दैट इज वॉट यू ऑल आर थिंकिंग राइट तो इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करे तो कैसा है ना कि इतिहास तो हम सब लोग रच सकते हैं चलो मानते हैं कि सब लोग इतिहास रच सकते हैं लेकिन फिलहाल ये जो ट्वेल्थ का ईयर शुरू है तो हम लोगों को वो वर्क का प्रेशर है दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज वो पढ़ाई का प्रेशर है उसके बाद अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है उतना ही नहीं है कि अगर आपने देखा कि आजू बाजू के लोग भी आपको आके पूछते हैं क्या बाबा बारहवीं सौ वर्ष है जरा लक्ष्य ठेऊन जरा व्यवस्थित अभ्यास कर यानी उनको सबसे ज्यादा टेंशन रहता है वो बार बार आपको आके याद दिलाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है काम करना चाहिए तो देर आर लॉट ऑफ प्रेशर यू पीपल आर एक्सपीरियंसिंग तो ये चैलेंजेस जो है ना अपने लाइफ में वो जब आते हैं इतने सब खुल के आते हैं तो अपना अपनी जो कंडीशन है वो इस तरीके से हो जाती है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नको देवराया पाहु प्राण हा सर्वथा जाऊ पाए यानी भगवान मेरा अंत इस तरह से मत देखो मेरी जो जान है ना वो हर तरह से जाने के लिए तैयार है इतने चैलेंजेस हमारे लाइफ में है तो कैसे है ना कि मैं अकेला बात नहीं करूंगा हम लोग इंटरैक्ट करेंगे जरा तो कोई बता सकता है अनम्यूट करके अनम्यूट यानी पहले आप हैंड रेस करो एक हैंड रेस करने का आइकॉन है तो मैं आपको बोलूंगा आपको पूछूंगा कि आपका नाम लेके कि आपको इसका जवाब देना है कौन-कौन से चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो कोई बता सकता है कौन से चैलेंजेस ये ट्वेल्थ के ईयर में पर्टिकुलरली यू पीपल आर फेसिंग कैन एनीबडी रेज द हैंड क्या चैलेंजेस आते हैं आई जस्ट वांट टू नो क्योंकि आप लोग उसमें से जा रहे हो ना तो फिर

और तो जैसे देखो कुछ गलत भी बोल दिया तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं अपने देश में गलत बोलने वालों को फांसी की सजा तो है नहीं ध्रुव ध्रुव प्लीज आप बताइए ऑनलाइन से जैसा स्टडी हो रहा है वो इलेवेंथ जैसे एफिशिएंसी नहीं है अभी यस यस एब्सोल्युटली जो फिजिकल स्टडी में जो दम था वो ऑनलाइन में नहीं है राइट right? तो हम लोग वो थोड़ा सा वो डिफरेंस हो जाता है कि जब हम लोग फिजिकली जाते थे वो पढ़ते थे वो अलग था और ऑनलाइन थोड़ा अलग है तो ये भी सबसे बड़ा चैलेंज आप लोग फेस कर रहे हो टू गुड थ्रू टू गुड थैंक यू सो मच और कौन बताएगा और क्या चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं किरण आप कुछ बताना चाहते हो किरण ठक्कर बिकॉज आपने अनम्यूट करके फिर से म्यूट कर दिया इज एनी बड़ी देयर यार बताओ बोलो बात करेंगे थोड़ा सा नुपुर नुपुर प्लीज सर क्लास में मध्य एक्टिवली अभ्यास होते घरी नहीं हो यस यस दैट इज आल्सो बिगेस्ट चैलेंज या क्लास में जितना एक्टिवली स्टडी होता है उतना घर में नहीं हो पाता ओके okay. तो ये ये एक चैलेंज है बड़ा चैलेंज है राइट थैंक यू सो मच नुपुर थैंक यू सो मच और कौन बताएगा चलो

तो कुछ शेयर भी हो जाता था ना स्टडी के बारे में भी और और भी सो चीजें शेयर करते थे अपन स्टडी के बारे में भी शेयरिंग होती थी तो वो अभी हो नहीं पाती सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज तो ढेर सारी चैलेंजेस है इम्पोर्टेंट ईयर तो है ही और आई एम आई रियली फील प्राउड ऑफ यू पीपल कि आप लोग साइंस स्ट्रीम में आए हो तो आपने पहले भी बहुत सारी मेहनत की है बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया है बिकॉज वेरी फ्यू पीपल कम हियर और जो सोचते हैं कि मुझे आगे जाके मेडिकल में जाना है इंजीनियरिंग में जाना है तो आप सभी लोग विनर हो ऑलरेडी लेकिन फिर भी जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चैलेंजेस लेवल अप होती जाती है और वैसे ही चैलेंजेस आपके बारे में लेवल अप होती जा रही है तो जब ऐसी चैलेंजेस हर जगह से आती है तो अपनी कंडीशन इस तरीके से हो जाती है नको देवराया अंत साहू प्राण हा सर्वथा पण त्यामध्ये आपल्याला असं वाटतं कि अगर मैं रजनीकांत होता तो शायद इन सभी चैलेंजेस को इजीली डील कर पाता बिकॉज देर इज नथिंग नॉल चैलेंज इन द लाइफ ऑफ रजनीकांत राइट उसके लिए चैलेंज कुछ है नहीं अगर हम लोग रजनीकांत होते तो वो चैलेंजेस को फेस कर पाते लेकिन चैलेंजेस है बहुत सारे चैलेंजेस है उसको कैसे फेस करूं तो चलो इन चैलेंजेस के बारे में एक स्टोरी से समझ लेते बिकॉज वी ऑल लाइक स्टोरी सो देर इज वन स्टोरी आई पर्सनली लाइक सो मच अबाउट चैलेंजेस दैट इज अबाउट कृष्णा एंड बलराम कृष्णा और बलराम एक दिन जंगल से जा रहे थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना था बीच का रास्ता जो था वो जंगल से गुजरता था तो वो जंगल से जा रहे थे और आ, शाम हो गई चलते चलते शाम हो गई और उन्होंने सोचा कि इससे आगे निकलना अभी खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत जंगली जानवर राक्षस बहुत सारी चीजें हैं तो इतने रात को आगे बढ़ना सही नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं हम लोग एक टेम्पररी हट बनाते हैं और उसी में रह जाते हैं एक रात वहां पे गुजार दे और फिर सुबह निकल जाएंगे तो उन्होंने वैसा सोचा और एक टेम्पररी हट उन्होंने क्रिएट की एक झोपड़ी बनाई और उन्होंने सोचा कि यही पे हम लोग सो जाएंगे लेकिन अगेन अगर दोनों इकट्ठा सो गए तो खतरा तो बना ही रहता था तो इसीलिए ऐसा उन लोगों ने सोचा कि टर्न बाय टर्न हम लोग सोएंगे और पहरा देंगे यानी एक बंदा सोएगा तो दूसरा पहरा देगा और ऑब्वियसली कृष्णा छोटा था उम्र में तो उन्होंने कृष्णा बोला कि मैं सोऊंगा भैया आप पहले पहरा दो तो बलराम एज अ बिग ब्रदर वो पहले पहरा देने लगे कृष्णा आराम से सो गए और जब वो पहरा दे रहे थे तो उन्होंने देखा एक बड़ा सा राक्षस आया सामने से एक बड़ा राक्षस आया राक्षस आया और वो बलराम को बोला कि भाई मेरे से लड़ युद्ध कर मेरे से तो बलराम ने सोचा कि यार एक तो दिन भर चल के मैं थक चुका हूं कल भी दन, दिन भर चलना है वो एनर्जी मेरे पास होनी चाहिए और ये राक्षस है इससे अभी मैं लड़ू तो मैं कल दिन भर कैसे ट्रेवल कर सकता हूँ यार ये चला जाए तो अच्छा है ट्राइड टू अवॉइड हिम उसने सोचा कि यार इसको मैं इग्नोर कर दू लेकिन जैसे ही उसने इग्नोर करना चाहा, करना अवॉइड राक्षस का आकार बढ़ गया जैसे ही राक्षस का आकार बढ़ गया वो डर गया थोड़ा सा बलराम कह पहले तो थोड़ा छोटा था अब ये बड़ा हो गया राक्षस बोला कि नहीं तू मेरे से लड़ाई कर मैं घर में बता के आया हूं कि मैं एक दो को मार के आऊंगा तो राक्षस ने ठान ली थी कि मुझे लड़ाई करनी है बलराम बोला कि यार अब तो मैं इससे लड़ ही नहीं सकता इसका आकार तो बढ़ गया है ये तो साइज में बड़ा हो गया तो मैं इससे नहीं लड़ सकता तो जैसे बलराम डर गया वो राक्षस का आकार और बढ़ गया जैसे बलराम डरता गया राक्षस का आकार और बढ़ता गया और वो इतना बड़ा हो गया कि बलराम उसे देखकर बेहोश हो गया लेकिन बेहोश होने से पहले उसने कृष्णा को आवाज दी जैसे ही कृष्णा को आवाज दी कृष्णा जग गया उसने देखा कि यार बलराम जमीन पे गिरा है तो उसने सोचा कि अभी ये सो गया है और मेरा पहरे पहरा देने का वक्त है तो वो पहरा देने लगा पहरा देते वक्त वो जो इतना बड़ा राक्षस था वो सामने आ गया वो सामने आ गया और कृष्णा को उसने चैलेंज किया कि कृष्णा तुम मेरे साथ लड़ो तो कृष्णा बोला कि भाई मैं दिन भर चल के थक चुका हूं कल भी चलना है देखो लड़ाई का मेरा वैसा भी कोई मूड नहीं है लेकिन अगर तुम इंसिस्ट करोगे तो मैं लड़ूंगा और मैं लड़ूंगा ना तो बहुत मार खाएगा जैसे ही कृष्णा ने डेरिंग से यह बात राक्षस को बोली राक्षस का आकार कम हो गया लेकिन फिर भी वो था तो राक्षस ही वो बोला नहीं कृष्णा मुझसे लड़ो मुझसे लड़ो मैं लड, लड़, जाऊंगा मैं यहाँ पे एक दो को मार के ही जाऊंगा तो कृष्णा बोला इसके आगे एक लफ्ज भी निकाला ना मुंह से तो वो तेरा जिंदगी का आखिरी लफ्ज होगा भाई जिंदगी से प्यार करो जाओ मत लड़ो मुझसे बहुत मार खाएगा जैसे कृष्णा ने डेरिंग की राक्षस का आकार और कम हो गया जैसे कृष्णा डेरिंग करते गया राक्षस का आकार और छोटा 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 होते गया गया और वो बहुत ही छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया फिर कृष्णा ने क्या किया उसको धोती में बांध के रखा कि मैं भैया को कल बताऊ कि अरे यार ऐसा कुछ हुआ था लेकिन जब सुबह बलराम उठा जगा तो उसके पास बताने के लिए स्टोरी थी उसे बाद में क्या हुआ मालूम नहीं था वो बोला अरे कृष्णा मालूम है एक है ना राक्षस आया था मैंने उससे लड़ा लड़ाई कर वो मुझे चैलेंज कर रहा था कि लड़ाई करो मैं तो डर गया और उसका आकार जो है साइज जो है वो बढ़ता गया और मैं बेहोश हो गया तो कृष्णा बोला एक मिनट एक मिनट ये राक्षस यही एक है क्या इसी के बारे में बात कर रहे हो तो उसने वो धोती के गांठ में जो बांधा हुआ था ना राक्षस वो निकाला यही है क्या वो बोला हाँ ये तो वही राक्षस है लेकिन वो बहुत ही बड़ा था इतना छोटा कैसे हो गया तो उसके ऊपर कृष्णा ने जवाब दिया कि भैया ये बड़ा नहीं था आपने इसको बड़ा किया सो आर यू ऑल विथ मी हमारे लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता है हम उसको बड़ा करते हैं यानी स्टोरी हमें क्या बताती है बहुत ही बढ़िया सीख हमें ये स्टोरी देती है व्हेन यू अवॉइड व्हेन यू अवॉइड व्हाट यू 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 हैव टू फेस प्रॉब्लम ग्रोज बिगर देन एंड स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ओवर यानी जिस चीज को फेस करना चाहिए जिस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए आप जब उसको अवॉइड करते हो वो प्रॉब्लम बड़ा होते जाता है और आपको कंट्रोल करने लगता है लेकिन वेन यू फेस वॉट यू हैव टू फेस यू ग्रो बिगर इट जब आप उस चीज को फेस करते हो उस प्रॉब्लम को फेस करते हो जिसे फेस करना चाहिए तो आप उस प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हो और प्रॉब्लम पे कंट्रोल करने लगते हो सो यू ऑल हैव चैलेंजेस आई एम ऑल्सो हैविंग चैलेंजेस ऑल द सेवन हंड्रेड क्रोर पीपल्स इन द वर्ल्ड बट वो चैलेंजेस को जब हम अपने से बड़ा होने देते हैं ना तो वो चैलेंजेस अपने को कंट्रोल करने लगते हैं लेकिन जब हम चैलेंजेस से बिगर हो जाते हैं चैलेंजेस से बड़े हो जाते हैं हम चैलेंज को कंट्रोल कर सकते हैं सो देर इज नथिंग नॉल चैलेंज दैट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी एक अपॉर्चुनिटी है जो वेट कर रही है कि आप उसको कैसे आर पार कर दो वो चैलेंज में से आप आर पार निकल गए ना तो एक अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है सो so, ये जो चैलेंजेस है अपने जिंदगी में तो मैं बोला कि जैसे चैलेंजेस को अगर सामने चैलेंज है बहुत सारे चैलेंजेस अगर आप भागे उस चैलेंज से तो आगे जाके आपको लॉन्ग टर्म पेन सहना पड़ेगा यानी आज जो कुछ भी चैलेंज आ रहा है इफ यू ट्राई टू अवॉइड इट हमें हमें हमेशा ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम को अवॉइड करने से वो सॉल्व हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम को अवॉइड करने से वो सॉल्व नहीं होता वो बड़ा हो जाता है जैसे हम लोगों ने स्टोरी में देखा तो प्रॉब्लम वो अवॉइड करोगे तो वो आप उससे भागोगे तो वो सॉल्व नहीं होने वाला तो अगर आप आज भागे तो लॉन्ग टर्म पेन आपको सहना पड़ेगा लेकिन अगर आपने उसको आज फेस किया तो आप विनर हो सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए सो so, ये चैलेंज को कैसे फेस करना है वॉट कैन वी डू टू फेस द चैलेंज ओके तो देखो जैसे मैंने कहा कि ये अभी एक डायग्राम है जो मैं आप सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है देखिए आपके लाइफ में आज कल चैलेंजेस आते जाएंगे आप जैसे बड़े होते जाएंगे जैसे अलग अलग फील्ड्स में जाते जाएंगे यानी जैसे एजुकेशन कंप्लीट किया आप जॉब करने लगे आगे जाके प्रोफेशन खुद का शुरू किया या बिजनेस शुरू किया हर जगह पे चैलेंजेस जब आप एक लेवल ऊपर जाते हो तो चैलेंजेस भी बढ़ती है चैलेंजेस को कैसे फेस करना है तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस मेरे लाइफ में है ओके तो आप उसको कैसे फेस करोगे निधि आपने ना वो स्क्रीन के ऊपर लिखने का वो पेन पे क्लिक किया है शायद सो

देखो वपू कालेकर एक मराठी में रायटर है जो मैं उनको आयडियल मानता मेरे लाइफ में तो उनका एक कोट है एक फेमस कोट है त्यांचं म्हणणं असं आहे की कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता कोणतीच समस्या मोठी नसते काही समस्या सोडवायला माणसं लागतात काही समस्या सोडवायला पैसा लागतो काही समस्या सोडवायला वेळ लागतो या तीन गोष्टींच्या पलीकडची समस्या मी माझ्या आयुष्यामध्ये पाहिलेली नाहीये सो सिंपली दोस्तो हम लोगों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको लोग चाहिए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैसा चाहिए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए इन तीन चीजों के बियॉन्ड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में सो so, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आधर मुझे इन तीन लोगों को देखना है या फिर कोई स्किल्स मुझ में डेवलप करनी है फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे किसी एक ने बताया था कि क्लासरूम में मेरा कॉन्सेंट्रेट हो पाता है क्लासरूम में स्टडी हो पाती है लेकिन घर में वो स्टडी में नहीं कर पाती राइट? सो दिस इज़ वन ऑफ़ द चैलेंज। तो घर में स्टडी करने के लिए चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपको कोई ना कोई स्किल चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा रिलेशनशिप में इश्यू है तो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करे कैसे करे, वो स्किल मुझे सीखनी है अगर मेरा फाइनेंशियल इशू है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा करना है वो स्किल मुझ में होनी चाहिए अगर बोलने का इशू है मुझे तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रोवाइज करना ये स्किल मुझ में होनी चाहिए आर यू ऑल मी आप हो सब मेरे साथ अगर मेरे लाइफ में चैलेंज है तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे कोई ना कोई स्किल एक्वायर करनी चाहिए ओके तो आप में से कितने लोगों ने वीडियो गेम खेली है प्लीज रेज योर हैंड वीडियो गेम के लिए कोई भी गेम जिसकी अलग अलग लेवल्स होती है क्या बात है बहुत सारे लोग मुझे भी अच्छी लगती है कभी कभी मैं भी दिल बहलाने के लिए वीडियो गेम्स खेल लेता हूँ वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने एक लेवल क्रॉस किया एक लेवल जो होता है लेवल ऑफ चैलेंज वो क्रॉस किया तो फिर से वही लेवल आपने खेली है वो लेवल क्रॉस कर दिया आपने बहुत मेहनत करके वो लेवल क्रॉस कर दिया और फिर से वही लेवल आप खेल रहे हो ऐसे कितने लोग है यहाँ पे ऐसा नहीं होता है ना यानी जो लेवल हम लोग क्रॉस करते हैं उसे हम लोग फिर से नहीं खेलते क्योंकि उसमें मजा नहीं आता यस और नो यस और नो यू कैन चैट यू कैन चैट आई नो देर आर लिमिटेशन इन ऑनलाइन सेमिनार्स आई कैनॉट सी यू ऑल एट द टाइम Yes, good, good, good. क्यों तो नहीं खेलते अपने आपके स्टडी से आपके ट्वेल्थ के इस चैलेंजिंग ईयर से आगे आने वाली सभी एंट्रेंस एग्जाम से मैं रिलेट कर दूंगा तो क्या होता है ना दोस्तों जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे देखो लेवल ऑफ चैलेंज का ये एरो है लेवल ऑफ चैलेंज राइट तो ये लेवल ऑफ चैलेंज की लो लेवल है और ये हाई लेवल ओके हाई लो लेवल ऑफ चैलेंज कम है या ज्यादा है चैलेंजेस लाइफ में कम है या है या ज्यादा और ये है लेवल ऑफ स्किल एंड सपोर्ट सो लेवल ऑफ स्किल स्किल यानी जैसे मैंने आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया लीडरशिप स्किल्स के बारे में बताया राइट right? तो लेवल ऑफ स्किल और सपोर्ट यानी आइदर आपको किसी आ, इंसान की सपोर्ट चाहिए या फिर पैसों का सपोर्ट चाहिए या फिर टाइम का सपोर्ट चाहिए दीपाली यू हैव हैव द हैंड डू यू एनी क्वेश्चन दीपाली आपको कुछ सवाल है क्या आपने हाथ ऊपर किया है तो कुछ सवाल है आपको ओके दैट माइट बी बाय मिस्टेक तो जैसे आप इसको देख रहे हो कि ये लेवल ऑफ चैलेंज का एरो है लो लेवल हाई लेवल और ये लेवल ऑफ स्किल एंड सपोर्ट लो और हाई कम है या ज्यादा है राइट तो जैसे मैंने कहा कि आप जब वीडियो गेम खेलते हो तो वो जो चैलेंज होता है ना एक स्पेसिफिक लेवल का उस चैलेंज को फेस करने के लिए आपको कुछ पावर चाहिए होती है राइट अगर आपके पास वो पावर आ जाए तो आप वो वो लेवल फिर से नहीं खेलोगे क्योंकि आपको मालूम है ये आसान है और आसानी से हो जाएगा क्योंकि क्या होता है उस वक्त लेवल ऑफ चैलेंज जो है ना आपका वो कम हो जाता है लेवल ऑफ चैलेंज क्या हो जाता है देखो लेवल ऑफ चैलेंज जो है वो कम हो जाता है और लेवल ऑफ स्किल एंड सपोर्ट ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है आप बोर हो जाते हो आप उसी लेवल को खेलने के लिए बोर हो जाते हो क्योंकि चैलेंज अब कम हो गया और लेवल ऑफ स्किल एंड सपोर्ट जो है ना वो बढ़ गई आपके पास वो सभी पावर्स है तो उसमें मजा नहीं है अभी एक बार आपने उस लेवल को क्रॉस कर दिया तो अभी उस लेवल को फिर से खेलने में वो मजा है नहीं अनलेस एंड अंटिल आपको आपके पॉइंट इंक्रीज करने तो आप खेलते हो अदरवाइज आप बोर हो जाते हो राइट उसी तरह से जब लेवल ऑफ चैलेंज ज्यादा हो बड़ी हो और लेवल ऑफ स्किल एंड सपोर्ट कम हो उसको फेस करने के लिए आपके पास पावर्स नहीं है तो आप क्या हो जाते हो आप स्ट्रेस में आ जाते हो तनाव अपने हमारे निर्माण हो तो स्ट्रेस निर्माण हो तो राइट तो चैलेंजेस ज्यादा है और उसको फेस करने के लिए स्किल्स और सपोर्ट सिस्टम नहीं है हमारे पास तो क्या हो जाएगा हम लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे हम लोग तनाव में आ जाएंगे राइट और अगर लेवल ऑफ चैलेंजेस कम है लेकिन मेरा स्किल सेट बहुत ही बढ़िया है मेरे पास जो कुछ भी स्किल्स है क्वालिटीज है वो बहुत ही बढ़िया है लेकिन चैलेंजेस नहीं है मेरे लाइफ में तो क्या हो जाएगा आप बोर हो जाओगे राइट तो ये चीज हमें, हमें हमेशा ध्यान में रखनी है जितनी हमारी लेवल ऑफ चैलेंजेस है उतनी ही अगर हम लोग स्किल सेट्स या फिर सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर पाए तभी हम लोगों को सक्सेस मिल पाती है यानी मुझे क्या करना है क्या चैलेंजेस है आज मेरे लाइफ में उस चैलेंजेस को लिस्ट आउट करना है ऑनलाइन सेशन अटेंड करना मेरे लिए चैलेंज है तो एक्जैक्टली exactly क्या चैलेंज है ऑनलाइन सेशन अटेंड करते वक्त मुझे क्या चैलेंजेस आते हैं लिस्ट आउट करो उन चैलेंजेस को और यह चैलेंज कोपअप करने के लिए कौन सी स्किल मुझे अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए या फिर कौन बंदा मुझे इसके लिए हेल्प कर सकता है या फिर मुझे क्या नया सीखना चाहिए जिसके ऊपर मैं मैं इन्वेस्ट करूं कुछ पैसा और ये ऑनलाइन क्लासेस को कैसे इफेक्टिवली अटेंड करना है वो मैं सीख या फिर वक्त पे छोड़ दू कि चलो धीरे धीरे मैं ये सब चीजें सीख जाऊंगा तो जो चैलेंजेस आप में है आपकी लाइफ में है इस ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में या फिर आगे जाके जो एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हो आगे जाके जो कुछ भी करने वाले हो चैलेंजेस को लिस्ट आउट करो खाली चैलेंज है बोल के कुछ होने वाला नहीं है लिस्ट देम आउट और उसको सॉल्व करने के लिए क्या स्किल चाहिए कौन मदद कर सकता है कितना पैसा लगेगा या फिर वक्त लगेगा क्या उसे फाइंड आउट करो और वो चैलेंज चैलेंज को सॉल्व करते जाओ दैट बिकम एन अपॉर्चुनिटी जब हम लोग पहले शुरू शुरू में ये ऑनलाइन सेशंस लेते थे इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस अचानक से ये ऑनलाइन आ गया हम लोगों के लिए ये सेशंस लेना भी चैलेंज था बट जैसे हम लोग सेशंस आगे लेते गए इट बिकम एन अपॉर्चुनिटी और ऑनलाइन सेशन से हम लोग ज्यादा कमा पाए जितना हम लोग से कमाते थे इससे पहले सो so, हर कोई चैलेंज ओवरकम करो दैट बिकम एन अपॉर्चुनिटी को कुछ क्वेश्चन है येस इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग वेरी गुड प्रथम शु की श्रेया सिद्धांत Do you have any question? अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग यू कैन ट्रीट मी एज यूर बिग ब्रदर और मुझे अच्छा लगता है आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊ थैंक यू सो मच नुपुर अनिशा यस वेरी गुड सो यू ऑल आर विथ मी हमें क्या करना है आप लोगों में समझ में आया होगा चैलेंजेस तो है बहुत सारे चैलेंजेस है लेकिन वो अपने दिमाग में है सिर्फ तो उसको है ना पेपर पे उतारो और वो चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या स्किल डेवलप करनी है या फिर जैसे कि मैंने, मैंने जैसे मैंने बोला कि आपको अगर किसी कई जगह प्रेजेंटेशन देना है तो कम्युनिकेशन स्किल कैन बी योर चैलेंज मेरे पास वो कम्युनिकेशन स्किल है नहीं मैं प्रेजेंटेशन कैसे दू या फिर वो प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं पावर पॉइंट पे मुझे मालूम नहीं है सो दैट इज द चैलेंज तो वो चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या स्किल डेवलप करनी है मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है और प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो सीखना है या फिर मुझे मेरे भाई की या दोस्त की मदद लेनी है जिसे ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बनाना आता है आर यू ऑल मी आप लोग सब हो मेरे साथ तो चैलेंजेस को पकड़ के मत बैठो उसको लिस्ट आउट करो और कौन सी स्किल्स हमें डेवलप करनी है उसके ऊपर काम करो एब्सुलटली देर विल बी नो चैलेंज यू नो और हर लेवल जैसे अप होता जाएगा चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे उसी उसको इसी तरीके से डील करना है तो दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद द चैलेंज ओके लेटस मूव फॉरवर्ड तो ये ऑक्सफैम रिपोर्ट दो हजार उन्नीस है ऑक्सफैम रिपोर्ट दो हजार उन्नीस इसके अकॉर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ओन्स मोर देन हाफ ऑफ द वेल्थ इन दर्ल्ड सो दिस इज द मैजिक फिगर यू नो और क्या बोलते फिगर so, कि दुनिया के एक टका लोगों के पास दुनिया की आधे से ज्यादा वेल्थ है यानी दुनिया की आधे से ज्यादा वेल्थ पे एक टका रोज राज कर एक, एक लोक राज कर रहे हैं और आधे से कम वेल्थ पे बाकी के नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ दीपल आर हाफ ऑफ द वेल्थ सो ऐसा क्यों होता है कि एक टका लोग इतने सक्सेसफुल क्यों है कि जिनके पास इस पृथ्वी की आधे से ज्यादा वेल्थ है और वो बाकी के नाइनटी नाइन परसेंट लोग इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं है कि उनके पास आधे से कम वेल्थ

आधे से ज्यादा वेल्थ पे या आधे से ज्यादा पृथ्वी पे राज कर रहे हैं बता सकता है कोई दिस वन परसेंट पर्सन फेसेस चैलेंजेस वेरी स्मार्टली वाव वाव दिस वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वो क्या करते हैं वो चैलेंजेस को स्मार्टली फेस करते हैं वेरी गुड वेरी गुड कैन आई नो योर नेम नाम क्या है आपका हेलो अच्छा रेवती ने हैंड रेस किया था रेवती प्लीज कंसिस्टेंसी इन्होंने बताया ब्रेन चैतन्य बोल रहे सोर्सेस एंड स्किल्स उनके पास होती है वेरी गुड वेरी गुड चैतन्य और क्या ऐसा क्या होगा उनके पास एक टका लोगों के पास पूरे पॉपुलेशन का वन परसेंट लोग जो आधे से ज्यादा वेल्थ पे राज कर रहे हैं फोकस है रेवती जैसे बता रही है क्रिएटिविटी है थिंकिंग है प्लानिंग एंड आइडियाज उनके पास है वेरी गुड दलवी ट्यूटोरियल्स के सभी बच्चे बहुत ही होशियार है क्या बात है वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल बहुत ही अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने ये सभी चीजें दे मे द रिसोर्सेस बट दे युज देम इन अ बेटर वे साक्षी काय जबरदस्त अँसर दिले त्यांच्याकडे रिसोर्सेस असतात पण ते इफेक्टिव्हली यूज करू शकतात मृदिला तुम्हाला काही सांगायचंय का मृदुला गजानन म्हणतात एक्स फॅक्टर टू डील विथ सिच्युएशन क्या बात है? उनके पास एक, एक एक्स्ट्रा फॅक्टर एक्स फॅक्टर किती लिए मृदूला तुम्ही हँड रेस केला तुम्हाला काही सांगायचंय मृदुला ओके इनके पास क्या अलग है जो बाकी के 99 परसेंट लोगों के पास नहीं है निन्यानवे फीसदी लोगों के पास नहीं है ऐसी कौन सी चीज ये वन परसेंट लोगों के पास है क्या है कड़े तो कति की मेरा वे कमी पड़तो टाइम कम पड़ जाता है टाइम कम पड़ जाता है चौबीस घंटा ना कम पड़ जाता है मेरे लिए दिन ऐसे निकल जाता है कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 24 घंटा बहुत कम है यार भगवान ने बढ़ा के देना चाहिए कुछ 28 घंटा देना चाहिए या फिर थर्टी आर्स वी शुड हैव 24 घंटा बहुत ही कम है कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 24 घंटा कम है या फिर वक्त कम पड़ जाता है अरे वेळच मिळत नाही कि किती जणांची कंप्लेंट असते अच्छा विधी म्हणतायत विधींनी हँड रेज केला यू कैन रेज योर हँड वैष्णवीला पण वाटतं की वेळ कमी पडतोय वाव वाओ वाओ देर आर लोट्स ऑफ पीपल हु थिंक कि मेरे पास वक्त नहीं है या वक्त नहीं मिलता दिन ऐसे ही निकल जाता है क्या बात है क्या बात है ग्रेट 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 वाओ सो चलो लेट अस हैव मोर लाइट ऑन दिस ये जो है ना नो टाइम इज सेम बट द प्लानिंग फॉर इट डिफर्स वाओ टाइम तो सेम नहीं है प्लानिंग हर एक का अलग-अलग होता है उस वक्त को बिताने का सो लेट अस सी कि इसके ऊपर क्या है टाइम हमारे पास बहुत कम है हम लोगों को लगता है कि क्या होता है ना कि वी ऑल आर लकी यू नो भगवान हर सुबह जब हम लोग जगते हैं ना नींद से तो अपने अकाउंट में चौबीस घंटा डाल देता है भगवान चौबीस घंटा हमारे अकाउंट में डाल देता है और वो उसके लिए कुछ लेता भी नहीं हम लोगों से वो 24 घंटा हर एक के अकाउंट में जाता है ऐसा नहीं है कि 700 करोड़ लोगों में कुछ लोगों को 24 घंटा दिया है कुछ लोगों को 28 घंटा कुछ लोगों को 30 घंटा ये 24 घंटा जो उसने हमारे अकाउंट में डाले हैं शर्त एक ही है कि वो वक्त ये जो घंटे है वो ये जो मिनट है एवरी सेकेंड जो निकल जाएगा उसे आपके अकाउंट में फिर से डिपॉजिट नहीं किया जा सकता बॉस मोस्ट प्रेशियस थिंग जो निकल गई तो फिर से आपके लाइफ में नहीं आने वाली हर एक दिन हर एक घंटा हर एक मिनट हर एक सेकेंड हर एक मोमेंट दैट यू पीपल आर लिविंग एक बार निकल गया तो वो फिर से नहीं आ सकता ये वन परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना वो क्या करते हैं अलग और नाइन नाइन परसेंट लोग क्या करते हैं अलग तो नाइन्टीन परसेंट लोग और एक तक लोग में क्या फर्क है एक स्टोरी में से मैं आपको बताता हूं एक राजा था उसका बहुत ही बड़ा एम्पायर था बहुत ही बड़ा राज था उसका तो वो राजा बहुत ही बुद्धिमान था बहुत ही एफिशियंट था और बहुत ही अच्छी तरीके से राज चला रहा था और सब लोग यही बोलते थे कि ऐसा राजा इससे पहले हम लोगों ने नहीं पाया बहुत ही बढ़िया राजा है लेकिन एक चीज थी जो ये राजा अजीब करता था एकदम अजीब सी चीज थी वो क्या थी हर सुबह छह बजे ये राजा खुद का एक पुतला बनाता था और वो खुद का एक अंतिम संस्कार करता था यानी खुद की चिता वो जला देता था लोगों को बुला के कि राजा मर गया खुद का पुतला खुद के जैसे दिखने वाला और खुद का वो अंतिम संस्कार करता था रोज सुबह छह बजे तो ये बात भाई अलग थी यानी लोगों को ऐसा लगता था कि यार सब तो ठीक है यानी ये राजा जिस तरीके से राज चला रहा है यार इसका दिमाग तो बहुत ही बढ़िया है लेकिन ये एक चीज कैसे वो अजीब सी करता है यार ये पागल जैसी चीज है कि कौन खुद का अंतिम संस्कार रोज सुबह करता है तो हर एक को ये सवाल था लेकिन पूछे कौन भाई राजा को जाके कौन पूछेगा कि राजा ये क्या करते हो यार आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ ऐसा कोई बोलेगा तो नहीं तो एक यूथ था एक युवा था उस राज्य में जिसको ये बात हमेशा खटकती थी कि राजा ऐसे क्यों करता है राजा तो इतना अच्छा है लेकिन ये चीज ऐसे क्यों करता है तो मेरे जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि मुझे जानना है ये सिक्रेट कि राजा ये क्यों करता है तो उसने क्या किया ना भरे दरबार में वो आ गया और राजा को बोला की महाराज आप बहुत ही बुद्धिमान हो आप बहुत ही सक्षम हो आप बहुत ही पराक्रमी हो और आप इतनी अच्छी तरीके से ये राज्य चला रहे हो लेकिन एक चीज है जो सब लोगों को अजीब लगती है वो चीज ये है कि आप रोज सुबह बजे खुद का अंतिम संस्कार क्यों करते हो मुझे ये चीज जाननी है मैं मैं डेयरिंग कर रहा हूं कोई बता नहीं पाया लेकिन मुझे यह चीज जाननी है कि आप ऐसा क्यों करते हो तो राजा थोड़ा सा मनी मन मुस्कुराया कि चलो किसी ने तो ये सवाल पूछा किसी ने तो हिम्मत की तो उसने उसको अप्रिसिएट किया कि मुझे आज तक ये सवाल पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं की लेकिन तुमने पूछा इसीलिए शायद तुम्हारे जरिए इसका जवाब सबको मिल जाएगा तो मैं क्यों करता हूं ना रोज सुबह बजे जब मैं अपना अंतिम संस्कार करता हूं मैं एक बात मेरे मन में ठान लेता हूं कि मैं सिर्फ यानी मैं अभी घड़ी के हिसाब से बोलता हूँ कि मैं चौबीस घंटा ही जीने वाला हूँ एक दिन ही जीने वाला हूँ एक दिन से ज्यादा मेरी जिंदगी नहीं है कल सुबह छह बजे मैं मरने वाला हूं तो मेरे पास जो है वो एक दिन है तो इस एक दिन का हर एक क्षण मुझे इस तरीके से जीना है कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊ मैं कुछ ऐसा कर पाऊ जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बन जाए मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो प्रोडक्टिव हो जिससे मेरा और, और औरों का भला हो मुझे वो चीज करनी होती है इसीलिए मैं ये सोचता हूं कि मेरे पास सिर्फ एक दिन है मैं रोज सुबह मरने वाला हूँ अगले सुबह छह बजे मेरा अंतिम संस्कार होने वाला है तो चौबीस घंटे में जो कुछ भी मैं कर पाऊ वो कर जाता हूं so ये जो एक टका लोग है ना वो वही सोचते हैं कि मेरे पास वो अगला दिन है नहीं मेरे पास यही एक दिन है इस दिन में जो भी 24 घंटे है जितने भी मिनट्स है जितने भी सेकेंड्स है मुझे इफेक्टिवली जीने हैं और वो इसी सोच से इतने प्रोडक्टिव बन जाते हैं इतनी प्रोडक्टिव काम करते हैं जिसकी वजह से वो आधे से ज्यादा पृथ्वी पे राज कर रहे हैं सो आर यू ऑल विथ मी आप हो सब मेरे साथ आप हो सब मेरे साथ यस और नो लेट मी चेक हर एक टॉपिक के बाद आप लोग हो या नहीं हो वाह वेरी गुड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सो एवरी वन ऑफ अस गेट्स 24 फोर आवर्स इन अ डे हमारे पास 24 घंटा हर एक को मिलता है हम हर एक को 24 घंटा मिलता है लेकिन कुछ लोग है ना वो 24 घंटे वैसे ही जीते हैं हर दिन कॉपी रहता है उनका कुछ अलग नहीं जीते वही घिसी पिटी जिंदगी वही रेस उसी में वो अटके रहते हैं नाइनटी नाइन ऑफ लिविंग द सेम लाइफ सेम मोमेंट सेम संडेज सेम थर्टी फर्स्ट सेम फेस्टिवल्स एवरीथिंग सभी चीजों को वो सेम वैसे ही जीते रहते हैं लेकिन कुछ लोग जो है यानी वन परसेंट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड उसका इफेक्टिव यूज करते है हर एक मोमेंट का इफेक्टिव यूज करते हैं जिसकी वजह से वो आधे से ज्यादा पृथ्वी पे राज कर रहे हैं आधे से ज्यादा वेल्थ उन्होंने पाई हुई है सो हमें वही एक चीज सीखनी है ये एक टका लोग करते क्या है राइट कौन सी चीजों पे काम करते हैं अगर उस उस पर मैं काम करने लगू तो शायद मैं एजुकेशन तो मैं इफेक्टिव करूंगा ही यानी मेरा एजुकेशन एकेडमिकल लाइफ जो है ना वो इफेक्टिवली मैं पार कर ही दूंगा लेकिन उसके आगे की जो लाइफ है उसके आगे जो प्रोफेशनल लाइफ में मैं जाऊंगा उसे भी मैं सही तरीके से जी सकता हूं मेरे करियर में मेरे हेल्थ में फाइनेंसेस में मेरे सोशल लाइफ में रिलेशंस में हर जगह पे मैं बेटर कर सकता हूँ बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ तो ये चीज हमें सीखने एक टका लोगों से तो ये एक टका लोग क्या अलग करते हैं लेट्स टाइम मैनेजमेंट बेसिकली कोई बता सकता है टाइम मैनेजमेंट होता क्या है So, अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई अनम्यूट करे हैंड रेस करे मैं उनका नाम लू अनम्यूट करे और फिर बताए उनका थॉट कि टाइम मैनेजमेंट एक्जेक्टली है क्या ध्रुव इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम इज टाइम मैनेजमेंट गुड अजुन को वेल प्लानिंग मेघना गुड वॉट इज टाइम मैनेजमेंट सो मुझे ना आप लोगों की भी आवाज सुननी अच्छी लगेगी लिस्टिंग अपरलीउट करना और उसको तरीके से कम्प्लीट करते जाना दैट इज टाइम मैनेजमेंट गुड और कौन बताएगा वॉट इज टाइम मैनेजमेंट कौन बता सकता है टाइम मैनेजमेंट है क्या ओके डिस्ट्रीब्यूटिंग टाइम टू ऑल वर्क और शेड्यूल सोहम यानी संगीत वेरी गुड वेरी गुड सोहम कंप्लीट एंड राइट यूज ऑफ टाइम हर एक वक्त का हर एक मोमेंट का कंप्लीट और राइट यूज करना दैट इज टाइम मैनेजमेंट वाओ टू गुड टू गुड चलो टाइम मैनेजमेंट यानी है क्या तो दिन भर में जो भी 24 घंटे हमको मिलते हैं उस 24 घंटे में मुझे करना क्या है जो मुझे जिंदगी में आके लेके जाए वो चीजों को अगर मैं अपने शेड्यूल में डाल दू और मैं करते जाऊं कंसिस्टेंटली करते जाऊं और मेरे लाइफ में अगर मैं चेंजेस लाते जाऊं तो उसे हम लोग बोलेंगे टाइम 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 मैनेजमेंट मैनेजमेंट यानी मैनेजिंग द जो टाइम हमें मिला है ना चौबीस घंटा उसमें मैं कौन कौन से काम दिन भर में करूँ जो कुछ भी टास्क मेरे सामने है उसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं और वो करते जाऊं उस वक्त के हिसाब से दैट इज टाइम मैनेजमेंट एट एनी कॉस्ट जिस वक्त में जो चीज डिसाइड की है वो करना टाइम मैनेजमेंट ऑल मी मज़ा सोबत तो है ना हम लोग जो दिन भर में काम करते हैं ना देखो ये क्वाड्रेंट हमें समझना है अगर इफ यू वांट टू गो इन दैट वन परसेंट कैटेगरी इन फ्यूचर राइट वो वन परसेंट यानी यही नहीं होता है कि वन परसेंट यानी मेरे पास क्रोर्स ऑफ रुपीज आ जाए पैसा इज द सेकेंडरी वो आएगा राइट लेकिन जो चीजें आपने जिसलिए जन्म लिया है ना आप हर एक बंदे ने जो ये सुन रहा है ना बिलीव मी कुछ अलग करने के लिए जन्म लिया है इस पृथ्वी पे हर एक इंसान को इतना अलग बन, बनाया है इतनी सारी स्पेसिस है इस अर्थ पे इंसान को अलग क्यों बनाया है? ये दो कान के बीच में ना एक ब्रेन दिया है हम लोगों को क्योंकि तो ब्रेन जो है ना वो मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा कुछ अपने लाइफ में कर सकता है और औरों के लाइफ में कर सकता है You have power to make this earth better. ये जो पृथ्वी आज चल रही है ना इसको थोड़ा बेटर बनाना ये आप लोगों के हाथ में है तो ये वन परसेंट लोग क्या करते हैं तो उनको मालूम होता है ना चार तरीके के काम चौबीस घंटे में हम लोग करते हैं चार तरीके के काम होते हैं जो चौबीस घंटे में करते हैं वो चार तरीके के कामों को मैं चार क्वार्रंट में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ यू ऑल कैन सी ये चार क्वार्रेंट ओके ये जो पहला क्वार्रंट है ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला क्वाड्रेंट है अर्जेंट इंपॉर्टेंट ऐसे काम जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है राइट ये दूसरा वाला क्वाड्रेंट है जो अर्जेंट काम है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो तीसरा वाला क्वाड्रेंट है वो अर्जेंट नहीं है लेकिन और इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना वो अर्जेंट है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ये है चौथा वाला क्वारंट जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये चार quadrant मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से काम चौबीस घंटे में अपन करते हैं कौन कौन से काम हम लोगों के सामने आते हैं चौबीस घंटे में जो चार क्वारंट में ही रहते ये काम ओके okay? पहला क्वारंट अर्जेंट इंपॉर्टेंट ऐसे काम जो अर्जेंट है अभी करने हैं और इंपॉर्टेंट भी है करने ही है नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला क्वाड्रेंट दूसरा क्वाड्रेंट है अर्जेंट है ये काम अभी करने है ऐसा लग रहा है लेकिन करना इंपॉर्टेंट नहीं है तीसरा क्वाड्रेंट ना ये इंपॉर्टेंट है ना ये अर्जेंट है यानी अभी करूँ ऐसा भी कुछ नहीं और करना ही है ऐसा भी कुछ नहीं लेकिन और चौथा ये क्वाड्रेंट है जो अर्जेंट नहीं है अभी यानी अभी करने हैं ऐसा कुछ है नहीं लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट करने तो चाहिए तो ये चार क्वाड्रेंट है आर यू यू ऑल मी हो सब लोग आप मेरे साथ टाइप श्रुति सोहम थैंक सो मच कीर्ति निखिल शंतनु चैतन्य साक्षी ओम मेघना प्रथमेश तन्मय देवम वेरी गुड थैंक यू सो मच सो यू ऑल आर विद मी आपको समझ में आया कि ये चार क्वाड्रेंट्स में हम लोग काम करते रहते हैं चार क्वाड्रेंट्स के काम हमारे सामने होते हैं तो चलो वन बाय वन हम हर एक क्वाड्रेंट को समझते हैं और फिर आपको ही खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है आत्म परीक्षण करना है कि आप कहा पे ज्यादा वक्त वेस्ट करते हो कहा पे ज्यादा वक्त आपका इन्वेस्ट हो रहा है और वो कुछ दे नहीं रहा है आपको वो जो वक्त आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना उससे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है तो कहाँ पे आप आपका ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप इसमें से देख देख सकते हो तो चलो देखते पहला क्वार्रंट फर्स्ट क्वार्रंट इज अर्जेंट इंपॉर्टेंट कोई बता सकता है ऐसे कौन से काम है जो अर्जेंट भी होते हैं इंपॉर्टेंट भी होते हैं यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक यू कैन रेस हैंड देन आई विल कॉल योर नेम यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक ऐसे कौन से काम होते हैं जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है होमवर्क एंड सेल्फ स्टडीज अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है अगर कल ही सबमिट करना है दैट इज अर्जेंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट भी चलो ओके असाइनमेंट्स ऑन द लास्ट डे राइट यानी कल या परसों मुझे असाइनमेंट सबमिट करनी है और वो करनी ही है अगर नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कंप्लीशन ऑफ सिलेबस कंप्लीशन ऑफ सिलेबस अर्जेंट भी है इम्पोर्टेंट भी है ओके okay? कौन कौन से काम आप थोड़ा सा सोचो थोड़ा सा कि कौन कौन से काम है जो अर्जेंट भी होते यानी अभी करने हैं और इंपॉर्टेंट भी है बॉस करने ही हैं उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते क्चर क्या बात है प्रसाद वेरी गुड इटिंग फूड यस इटिंग फूड इज ऑल्सो अर्जेंट एंड इंपोर्टेंट वाओ भूख लगी है तो अर्जेंट भी इंपॉर्टेंट भी है ऐसे कौन से काम है जो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, है, है। एक्सरसाइज ओके okay, ओम एक्सरसाइज बोल रहे गुड अर्जेंट इंपॉर्टेंट यानी समझ में आ रहा है ना कि वो अभी करना है यार कुछ भी करके और और right कुछ भी करके वो करना है आज के आज ही करना है वो इम्पोर्टेंट भी है उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते आप जैसे कि अर्जेंट इंपोर्टेंट में क्या आता है वर्क ऑन लास्ट डेट आपको जो कॉलेज में एंट्री करना है कोई भी फॉर्म भरना है वो फॉर्म भरने की डेट दी गई थी पंद्रह दिन बाद लेकिन आपने चौदह दिन ऐसे ही निकाले मजा मस्ती किया और आखिरी दिन आया है कि मुझे अभी कुछ भी करके ये सबमिट करना है अभी फॉर्म भर के सबमिट करना है वो वर्क ऑन लास्ट डेट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है तो उसके लिए एक टाइम दिया जाता है हम लोगों को लेकिन अगर वो आज आखिरी दिन है तो आज कुछ भी करके भरना है लेकिन नहीं तो कल से चार्जेस बढ़ जाएंगे तो वर्क ऑन लास्ट डेट आज ही करना है कुछ भी करके करना है अर्जेंट इंपॉर्टेंट कॉलेज में फॉर्म सबमिट करना था उसकी लास्ट डेट आज आ चुकी है ये लास्ट डेट जब आती है और आप फॉर्म सबमिट करने जाते हो क्या बड़ी टेलमी किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो क्या होता है उस वक्त में अगर आज ही मुझे जाके फॉर्म सबमिट करनी है कॉलेज में एडमिशन लेना है एडमिशन की आज लास्ट डेट है नहीं लूंगा तो आधर कल से चार्जेस बढ़ जाएंगे फाइन लगेगा या फिर एडमिशन मिलेगा ही नहीं थ्रू बता रहे हो जाता है राइट right? कंफ्यूजन हो जाता है गलती कर बैठते हम लोग क्या बात है वेरी गुड क्या होता है फिर दो घंटा बचा है खाली हाँ मिलते है वो अलग से ऑल <laughs> से टॉन्ट आने लगते पहला क्या झोपला का तू तुला जाग आली क्या होता है ना इस वक्त में हम लोग क्या करते हैं लास्ट डेट में जब काम करने जाते हैं ना तो फिर हम लोग जो कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए सब लोग सब कलेक्ट करते हैं हमें मालूम है कि दो घंटे में ये फॉर्म सबमिट करना है कॉलेज में जाते हैं आप देखते हो आपके जैसे ढेर सारे लोग है वहां पे आप अकेले नहीं हो आप जैसे ढेर सारे लोग है लाइन लगी पड़ी है पचास लोग आगे खड़े हैं पचास लोगों के पीछे आपने लाइन लगाई माइक ऑन है प्लीज जरा ऑफ माइक चुकन ऑन जला है प्लीज ऑफ करा तो वो आपने लाइन लगाई पचास लोगों के पीछे खड़े रहे आप दो घंटे में आपका नंबर आया और जैसे ही आपका नंबर आया

वेला तू का तान लग तू का खड्डा खड़ो वगैरह सगड़ा चालू होता है और वो करना ही है, है, है। दूसरा होता है लास्ट नाइट फाइट कल एग्जाम है आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कुछ भी करके मुझे ये सब कंप्लीट करना है तो लास्ट नाइट फाइट आप रात भर झगड़ते रहते हो कि मुझे ये कंप्लीट करना है इवन एग्जाम से पहले भी आधा घंटा आप सब बुक्स को खोल के पढ़ते रहते हो तो ये भी अर्जेंट है इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जाके एग्जाम देना है बॉस इसको मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता अब भी करना है और वो करना ही है नेचुरल कैलेमिटीज कोई भी बाढ़ आई अर्थ आया कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी आई अर्जेंट है इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में आप ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं भाई ये टाइम शेड्यूल में विनोद दादा ने बताया था कि एक टाइम जो निकालना है वो पढ़ाई के लिए निकालना है मैं पढ़ाई के लिए बैठा हूँ और फिर बाढ़ आने लगी है और मेरा घर अभी डूबने वाला है बाढ़ में तो मैं सोचता हूँ नहीं कुछ भी करके ये काम कंप्लीट करके ही मैं निकलूंगा ऐसा नहीं हो सकता वो बाढ़ बता रही है कि भाई तू तो उधर से बाहर निकल पहले जान बचा अर्जेंट भी है इम्पोर्टेंट भी है मेडिकल इमरजेंसी आई कोई फैमिली में दोस्त की फैमिली में रिलेटिव के पास तो मेडिकल इमरजेंसी में भी वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो जाती है अभी करनी है और करनी ही है फिक्स शेड्यूल्स कुछ रहते हैं आपके जैसे कॉलेज अटेंड करना है जैसे ऑनलाइन शेड्यूल किसी ने बताया था ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है या फिर जॉब पे जाना है कुछ भी हो जो फिक्स शेड्यूल है वो फिक्स शेड्यूल भी अर्जेंट इंपॉर्टेंट में ही है करना ही है और अभी करना है ओके okay. सो so ये है अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला शेड्यूल जो हम लोगों को ना फ्रस्ट्रेट कर देता है लास्ट टाइम में लास्ट मिनट में हम लोग करने जाते हैं ऐसी चीजें है ना दैट यू कैनोट अवॉइड आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते आपको वो करनी ही है कुछ भी करके एंड दैट ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस लाने वाली सिचुएशन होती है जो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करती है अब ये दूसरा क्वाड्रेंट आया अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट ऐसे काम जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है यानी वो ऐसा काम है जो अभी बोल रहा है कि भाई करो ये काम करो लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है वो करना ही चाहिए ऐसा कुछ है नहीं तो कोई बता सकता है ये कौन से काम होते हैं जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है कैन एनी टेल मी ऐसे कौन से काम होते हैं जो अर्जेंट है अरे अभी करने डिफीटिंग बॉस इन वीडियो गेम <laughs> क्या बात है आदर्श जबरदस्त डिफीटिंग द बॉस इन वीडियो गेम अर्जेंट है वही तो बॉस कला मारा ही जाए इत पर मी बट इंपॉर्टेंट है नहीं अब भी मारना है उसको ऐसा कुछ है नहीं और और कौन बता सकता है ऐसे कौन से काम है जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या कोई बता सकता है यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक लेजर यानी आराम करना ध्रुव वेरी गुड ऐसा लगता है अगर बुक खोले एक एक दो पेजेस भी पढ़े तो लगता है कि चलो यार बस हो गया अभी थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ या फिर थोड़ा आराम कर लेता हूं ऐसा लगता है कि अर्जेंट है करना चाहिए अभी लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं एक दो पेजेस पढ़ के कोई इतना भी थक नहीं जाता दिस इज ऑल अबाउट माइंड गेम राइट तो कौन सी चीजें है जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हर्षित आई थिंक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट भी है करनी तो चाहिए अर्जेंट नहीं हो सकती शायद लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट राइट right? तो कौन सी ऐसी चीज है देखो आपने ठान लिया शेड्यूल बनाया कि मुझे ये शेड्यूल में यह करना है स्पेसिफिक शेड्यूल में मुझे चीज करनी है मुझे 10 से 11 बजे तक ग्यारह चीज की पढ़ाई करनी है 11 से 12 बजे तक ये करना है एंड यू आर फुल्ली कमिटेड आपने सोचा कि मुझे ये करना ही है चलो अभी मैं बैठ जाता हूँ और ये कुछ भी करके मुझे एक घंटे में जो मैंने ठान लिया है ना मैंने जो डिसाइड किया है वो चीज मैं करूंगा ही उसी वक्त आपका फोन बजता है आप पढ़ाई शुरू करते हो और आपका फोन बचता है यस इंटरप्शन वेरी गुड वो वो फोन है, वो फोन है है की रिंग बज रही है या फिर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है किसी का कॉल आ रहा है अर्जेंट है वो फोन बोल रहा है कि भाई मुझे उठाओ उठाओ लेकिन वो इंपॉर्टेंट है नहीं बॉस वो अभी उठाना चाहिए ऐसा कुछ है नहीं ठीक है आप पढ़ाई कर रहे हो आपने सोचा कि मुझे ये वक्त में ये पढ़ाई पूरी करनी है और कोई आपका अचानक से दोस्त आ जाता है वो बोलता है क्या कर रहे हैं भाई अरे यार पढ़ाई कर रहा हूँ मैंने ठान लिया कि ये वक्त में मुझे ये करना है तो वो बोलता है अरे क्या यार क्यों इतना इतना क्या तू आज पढ़ाई करके तू क्या टॉप करने वाला है क्या करने वाला है चल जरा घूम के आते चल जरा मॉल में जाके आते चल जरा गार्डन जाके आते चल जरा यहाँ वहाँ जाके आते हैं तो आप उसको पूछते हो कि भाई तू वो दूसरे को लेके जाना तो इसको लेके जा उसको लेके जा वो बोलता है कि नहीं मैं सबके पास गया था कोई अवेलेबल नहीं है तो मैं तेरे पास आ गया सो यू आर द लास्ट ऑप्शन फॉर यू तो ऐसे वक्त में जो आप काम कर रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बीच में आया हुआ ये दोस्त जो दरवाजे पे खड़ा है अर्जेंट है वो बुला रहा है आपको कि चल चल बाहर चल लेकिन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट आर यू ऑल विथ मी तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं फोन कॉल एस एम एस व्हाट्सएप व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ रही है एस एम एस एस आ रहे हैं फेसबुक पे मैसेजर के नोटिफिकेशन आ रहे हैं अर्जेंट है दिख रहा है कि अरे यार ये आ रहे हैं वो बोल रहे हैं आपको इनवाइट कर रहे हैं कि मुझे उठाओ मुझे देखो नोटिफिकेशंस खोल के देखो लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है फेसबुक के नोटिफिकेशंस हो गए फ्रेंड्स कॉलिंग फॉर टाइम पास टीवी सीरियल यार आज कुछ अलग होने वाला है टीवी सीरियल में आई होप कि आप लोग डेली सोप नहीं देखते होंगे लेकिन आज कोई बिग बॉस है बिग बॉस में आज कुछ ऐसा होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है वैसे भी आप पहले वो प्र, प्रोमोज दिखा देते हैं आप लोगों को तो नहीं यार आज वो देखना ही है अर्जेंट है देखो बिग बॉस लग गया अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है बाद में आप उसको वूट पे भी देख सकते हो वेब सीरीज कोई नया रिलीज हुआ जैसे अपना वो मिर्जापुर नया रिलीज हुआ अभी रिलीज हुआ ना, तो आज के आज के ही मैं उसको देख देख लूंगा अर्जेंट दिख रहा है वो आया है अभी अपलोड हो चुका है तो आप सोचते हो कि मुझे उसको आज ही देखना है अर्जेंट है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है आज ही देखना है ऐसा कुछ नहीं तो ये टीवी सीरियल्स है क्रिकेट का या फुटबॉल का मैच चल रहा है चल रहा है ना सामने है अर्जेंट अर्जेंट है वो सिचुएशन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट तो ये एक क्वाड्रेंट है जहां पे हम लोग ज्यादा फंसे हुए होते फे फोन कॉल्स में SMS में व्हाट्सएप में फेसबुक में उसके नोटिफिकेशन देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाना कुछ भी मैंने डिसाइड किया उसके काम के बीच में कोई आ जाएगा मुझे बुलाएगा मैं उसके पास जाऊंगा या फिर कोई मुझे कोई ऐसा काम देगा जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे स्टडी से ज्यादा तो मैं वो करने लगूंगा टीवी सीरियल्स को मैं देखूंगा क्रिकेट या फुटबॉल के मैच देखूंगा अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ऐसे भी कुछ काम है जो अर्जेंट भी नहीं होते और इंपॉर्टेंट भी नहीं होते लेकिन उसके ऊपर हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते रहते वो कौन से काम है तो व्हाट्सएप पे जो भी मैसेजेस आए हैं जितने भी मैसेजेस आए हर एक मैसेज को खोल के देखना क्या बात है ध्रुव वेरी गुड ध्रुव ने बताया चैटिंग चैटिंग करते रहना यू नो वॉट इज द सैडेस्ट रियालिटी ऑफ वर्ल्ड ये सोशल मीडिया में हुई वर्ल्ड की सैडेस्ट क्या है कि एक ही घर में मम्मी पापा भाई बहन सब लोग बाजू बाजू में बैठे हैं लेकिन हर कोई अपनी एक अलग दुनिया लेके बैठा हुआ है हर कोई अलग दुनिया लेके पापा उनके फोन में है मम्मी उनके फोन में है मैं अपने फोन में हूँ मेरा भाई अपने फोन में है और वो हर कोई बंदा किसी और तीसरे आदमी से चैट कर रहा है जिसको किस, किसने देखा भी नहीं है शायद वो आजू बाजू में जो लोग है, जो है उसके साथ हम लोग बात ही नहीं करते तो ऐसी चीज है जो अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है किसी ने हाई डाली तो रे अभी मैं क्या करूं हाई डाली तो अभी मुझे बात करनी ही है राइट तो ये अर्जेंट भी नहीं होता और इम्पोर्टेंट भी नहीं होता जिसमें हम लोग फंसे होते हैं तो वो व्हाट्सएप में हर एक मैसेज को देखते रहना फेसबुक में टाइम को स्क्रोल कर रहना टिल इटर्निटी जब तक वो ना हो और वो खत्म ही नहीं होती वो चलती रहती है टाइम को स्क्रोल करते हो हर एक पोस्ट को देखते रहो यूट्यूब पर वीडियो सर्व करते रहो एक के बाद एक मोबाइल पे अपना टीवी पे चैनल सर्व करते रहो मै मैच के हाइलाइट्स देखते रहो अर्जेंट भी नहीं इंपॉर्टेंट भी नहीं या कोई भी वेब सीरीज देखते रहो ऐसी कोई भी चीज जो अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है उसमें बहुत सारा टाइम हम लोग वेस्ट करते रहते हैं व्हाट्सएप चेकिंग एवरी मैसेज फेसबुक पे टाइम लाइन को स्क्रोल करना चैटिंग करते रहना क्रिकेट और फुटबॉल की मैचेस देखते रहना यानी वो भी हाईलाइट हा नॉट ओनली मैचेस हाईलाइट देखते रहना टॉकिंग अबाउट अदर्स यानी मैं और मेरा दोस्त राम सामने बैठे हो एक दूसरे के सामने हम लोग एक दूसरे के लाइफ के बारे में बात नहीं करते हम लोग किसी तीसरे के लाइफ के बारे में बात करते रहते वी कीप टॉकिंग अबाउट अदर्स जिससे वो पर्सन के लाइफ में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे लाइफ में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और राम के लाइफ में भी फर्क नहीं पड़ता तो ये भी ऐसी चीज है जो अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है और रैंडम चैनल सर्फिंग करते रहना अर्जेंट भी नहीं इंपॉर्टेंट भी नहीं सो आर यू ऑल विथ मी सब लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं यस वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो अभी देखते हैं वन परसेंट ऑफ द पीपल जो इस दुनिया में सक्सेसफुल है वो कौन से क्वारंट पे काम करते हैं उनका क्वार्रंट क्या है कौन से क्वार्रंट पे वो काम करते हैं वो ये चौथा क्वार है ऐसे काम जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं है यानी अभी करने चाहिए ऐसे ये काम नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है बॉस वो करने तो चाहिए यही वो काम है जो मुझे जिंदगी में आगे लेके जाएंगे सो कैन एनी बड़ी गिव मी एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल देगा ऐसे कौन से काम है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं पर इंपॉर्टेंट है स्टडी क्या बात है रेवती स्टडी श्रुति ने भी बताया स्टडी एग्जाम दो महीने बाद है तो क्या आज अर्जेंट नहीं है ना कि आज ही करूं मैं

ऐसे कौन से काम है जो अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है तो वो है स्टडी प्रिपेरेशन आपके एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपेरेशन हो या फिर आपके ट्वेल्थ के एग्जाम का स्टडी हो आज अर्जेंट नहीं है वो लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इस पे रोज थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ तो ये काम एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा फिर आपको ये लास्ट नाइट वाली फाइट नहीं करनी पड़ेगी आर यू ऑल विथ मी आपको ये लास्ट नाइट वाली फाइट नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ये काम रोज थोड़ा थोड़ा करते जाओ राइट right? तो ये स्टडी या प्रिपेरेशन आप रोज थोड़ा थोड़ा करो आप कभी अर्जेंट इंपॉर्टेंट में नहीं जाओगे ये वो काम है ना अर्जेंट इंपॉर्टेंट में जो आप पहले करना चाहिए थे लेकिन आपने किया नहीं तो वो फिर अर्जेंट इंपॉर्टेंट बन गए तो जो स्टडी है प्रिपेरेशन है वो एक एग्जाम्पल हो गया दूसरा एग्जाम्पल वर्क बिफोर डेट यानी अगर फॉर्म सबमिट करने की तारीख पंद्रह दिन बाद दी गई है ना तो उसको मैं आज ही जाके सबमिट कर दूंगा ऐसा क्यों करना है अगर पंद्रह दिन है तो मैं आज क्यों सबमिट करूं तो सिंपल आंसर इसका ऐसा है ना दोस्तों कि कोई भी काम जो मैं नहीं करता ना वक्त पे कोई भी काम जो मैं नहीं करता बिफोर डेट वो मेरे ध्यान में रह जाता है हमेशा मेरे दिमाग में बैठ जाता है यार ये काम करना बाकी है अरे फॉर्म सबमिट करना बाकी है अरे वो बिल भरना बाकी है अगर आपने उसको कंप्लीट कर दिया तो वो दिमाग में से निकल जाता है तो क्या करना है ना पंद्रह दिन बाद जो चीज करनी है वो आज ही कर दो क्योंकि वो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है आज ही कर दो तो दिमाग से निकल जाएगी राइट उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट आपको आपका इंग्लिश इंप्रूव करना है कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है इंटरपर्सनल स्किल सोशल स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपको डेवलप करना है ये चीजें अर्जेंट नहीं है आज ही करनी चाहिए ऐसा कुछ है नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी यही चीजें हैं जो आपको डेवलप होने में हेल्प करेगी आपका हेल्थ यानी रोज सुबह उठो एक्सरसाइज करो मेडिटेशन करो योगा करो यार अर्जेंट तो है नहीं ना आज ही क्यों करूं लेकिन इम्पोर्टेंट है अदरवाइज एक वक्त ऐसा आ जाता है एट डे जो फोर्टी फाइव फिफ्टी डॉक्टर गले में पट्टा डाल देता है कमर पे पट्टा बांध देता है और बोलता है कि रोज सुबह अगर आधा घंटा नहीं चले तो तू मर जाएगा छह महीने में तो आप लोग देखते हो कि गार्डन के आजू बाजू में से बहुत सारे लोग दौड़ते रहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने ये जब वक्त था जब ये अर्जेंट नहीं था इंपॉर्टेंट काम था उसके ऊपर काम नहीं किया रोज थोड़ा थोड़ा हेल्थ पे काम करते तो शायद आज ये वक्त नहीं आता आज वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट में खेल रहे हैं राइट जान बचानी है रिलेशंस को डेवलप करना और मेंटेन करना देखो लाइफ में अच्छे लोग होना बहुत ही जरूरी है द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ पीपल इन इट तो अच्छे लोगों को लाइफ में लाना दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चार तरह के लोग आपके में होते हैं एक तरह के लोग सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आई एम गिविंग यू चार तरह के लोग आपके आजूबाजू में होते हैं ये चार तरह के लोगों में से तीन तरह के लोगों से कैसे दूर रहना है और एक ही ऐसा है एक कैटेगरी क्रीम कैटेगरी जिसके साथ आपको ज्यादा अच्छे रिलेशंस डेवलप करने ये लोग ज्यादा होने चाहिए आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फेसबुक में पांच हजार फ्रेंड्स है आपके इंस्टाग्राम में बहुत सारे फॉलोअर्स है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये चौथी कैटेगरी होनी चाहिए कौन से ये चार कैटेगरी के लोग है ये चार कैटेगरी के लोग है उसमें से पहला है त्रस्त त्रस्त दूसरा व्यस्त तीसरा सुस्त और चौथा होता है मस्त चार कैटेगरी त्रस्त सुस्त व्यस्त मस्त या चार कैटेगरी कौन होते जो हमेशा ना इरिटेटेड रहते हैं हमेशा परेशान रहते हैं हमेशा उनको लगता है कि लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स उनको है और ये लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको कुछ अच्छा नहीं दिखता किसी चीज में जब भी आपको मिलेंगे ना वो आपको प्रॉब्लम्स ही बताएंगे राइट हमेशा टेंशन में रहेंगे तो ये जो बंदा जो हमेशा खुद ही टेंशन में है, क्या वो किसी को खुशी या सकता है जो स्वतः दुःखी आहे तो इतरांना आनंद देऊ शकतो का तर नाही देऊ शकत मंडळी तर या त्रस्त कॅटेगरीतल्या माणसांपासून थोडस लांब राहायचं असं नाही बोलत की त्याला तो समोर मी त्याला हाय बाय बस उससे ज्यादा बात मत करो वो आपको भी परेशान कर देगा आपको भी फ्रस्ट्रेट कर देगा तरी त्रस्त कॅटेगरीतली माणसं यांच्यापासून लांब राहायचं दुसरी असतात व्यस्त व्यस्त यानी ये हमेशा बिजी रहते हैं उनके पास टाइम ही नहीं रहता कभी वो हमेशा यही बोलते रहेंगे कि मैं बिजी हूं मैं बिजी हूं मैं बिजी हूँ मैं बिजी हूँ दिन भर में एक लाख बार उनको ये बोलना होता है कि मैं बिजी हूँ इसी में वो ज्यादा बिजी रहते हैं तो ऐसे लोग जो खुद इतना बिजी है बता रहे हैं यानी देखो ना वो अंबानी के पास टाटा के पास इन लोगों के पास टाइम रहता है वो अपने लाखों एम्प्लॉय को संभाल के सैकड़ों फैक्ट्रियों को संभाल के वो लोग गोल्फ खेलने जाते हैं वो लोग आईपीएल देखने जाते हैं वो लोग सोशल पार्टीज को अटेंड करते हैं उन लोगों के पास टाइम है लेकिन इनके पास टाइम नहीं रहता कभी तो ये लोग जो हमेशा अपने आप को बिजी बताते हैं तो वो लोग आपके कुछ काम के हैं नहीं तो उनसे भी दूर रहो तीसरी कैटेगरी है सुस्त कैटेगरी ये सुस्त कैटेगरी के लोग कौन होते जो हमेशा उनको ना वो हमेशा क्या बोलते हैं आलसी रहते ये ऐसे रहते नहीं ये सुस्त लोग ऐसे सुस्त होते हैं ना कि डॉक्टर ने जब इनकी पैदा होने की डेट दी थी ना उससे 10-15 दिन बाद में ही ही पैदा होते ही, इतने सुस्त और जब मरने का वक्त आता है ना तो आज मरेंगे कल मरेंगे ऐसे 15-20 साल निकाल देते लोग इतने सुस्त इनको लगता है सब चीजें ना यार ऐसे ही होनी चाहिए चमत्कार होना चाहिए सब चीजें यही की यही मिल जाए कुछ मेहनत तो मुझे करनी नहीं है ऐसे सुस्त कैटेगरी से भी आप दूर रहो तो एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ मेरे बारे में हुआ था मैं एक जगह पे सेशन ले रहा था यही बता रहा था कि मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे डेढ़ घंटे का सेशन मैंने मेहनत पे लिया तो एक सुस्त कैटेगरी का बच्चा था वो उसने हाथ ऊपर किया वो भी ऐसा सुस्त तरीके से ऊपर किया मैंने बोला हाँ भाई कुछ सवाल पूछना है तो पूछो तो वो बोला कि सर आपने कहा कि इतनी मेहनत करो मेहनत करो क्यों करना है इतनी मेहनत तो मैंने कहा यार तू डेढ़ तो मेहनत क्यों करना है आप, आप मेहनत तो की तो मेहनत करके आप टीवाई बोला हाँ लाए मार्क्स तो अरे तो क्या तो, अगर अच्छे मार्क्स आए टीवाई वाई बी कॉम में तो आगे जाके तुम किसी प्रोफेशनल स्ट्रीम में एडमिशन लोगे कोई अच्छा सा कोर्स लगाओगे एमबीए वगैरह आप करोगे आ, हाँ कर लिया एम बी ए तो अरे तो क्या तो एमबीए करोगे या कुछ भी अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो किसी अच्छी जगह पे आपको नौकरी मिलेगी मिल गई नौकरी तो अरे तो क्या तो अच्छी नौकरी मिलेगी उसमें भी मेहनत करते जाओगे तो फिर प्रमोशन मिलेगा अच्छी पेमेंट मिलेगी अच्छा हो गया प्रमोशन मिल गई पेमेंट तो अरे तो क्या तो अच्छी पेमेंट मिलेगी तो तुम्हें जो चाहिए वो खरीद सकते हो ना तुम एक अच्छा घर खरीद सकते हो अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो अच्छा खरीद लिया घर खरीद ली गाड़ी तो अरे तो क्या तो फिर वो इतना अच्छा घर लाओगे उसको फर्निश करोगे एक अच्छा बेडरूम होगा आलिशान बेडरूम उस उसपे आलिशान बेड होगा उसमें मखमल का वो सब बेड रहेगा गद्दे गद्दी रहेगी उसके ऊपर तो आराम से सो सकता है ना यार तो वो बोलता है सर अब आज भी मैं वही कर रहा हूँ मैं देर रात तक सोया रहता हूँ देर तक सुबह सोया रहता हूँ तो, तो दोस्तों ये सुस्त वाले लोग है ना ये उसके लाइफ में कुछ नहीं करने वाले तो उनको देख के आप भी सुस्त हो जाओगे तो इनसे दूर रहना है तो चौथी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज मस्त मस्त लोग लोग ये वो है ना जिनसे आप मिलते हो तो आपको मस्त लगता है आपको लगता है यार कितना मेरा सब टेंशन निकल गया ये बंदा कितना बढ़िया है आपको कोई एडवाइस चाहिए हो तो आप उससे मिलते हो आपको अगर इंस्पिरेशन चाहिए हो तो आप उससे मिलते हो ये वो लोग है ना जो खुद अपने लाइफ में सक्सेसफुल है और उन्हें लगता है कि आप भी सक्सेसफुल हो राइट right? तो ऐसे लोगों से हमें रिलेशंस मेंटेन करनी है डेवलप करनी है तो ये लोगों से मैं कैसे रिलेशन डेवलप करूं ऐसे कौन लोग हैं आजू बाजू में जिनको मैं ढूंढूं इनके साथ मैं वक्त बिताऊ जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में तो ये ये जो लोग है ना उनसे रिलेशन मेंटेन करना डेवलप करना इसके ऊपर मुझे वक्त बिताना है ये अर्जेंट नहीं है आज लेकिन इंपॉर्टेंट है ये लोग ही है जो आगे जाके आपको जिंदगी में काम आएंगे तो ये रिलेशन डेवलप करना प्लानिंग करना अर्जेंट नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है आज प्लान करोगे जितना अच्छा प्लान करोगे उतना बढ़िया उतना तेजी से आप आगे बढ़ोगे तो ये चौथा और इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट है तो ये चार क्वाड्रेंट जो मैंने बोले उसमें से पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट इंपॉर्टेंट अभी करना है और कुछ भी करके करना ही है ये जो काम है ना अगर अनेबल है करने ही है तो आपको क्या करना है एक तो ये काम को किसी को पास ऑन कर दो भाई को रिक्वेस्ट करो या किसी और को रिक्वेस्ट करो कि भाई ये करेगा क्या काम ओके नहीं हो सकता तो आपको ये करना है आपको उसको शेड्यूल में डालना है ये जो दो काम है ना अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट इसको सीधा ना बोलना है ना बोलना है यानी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप करो ही मत लेकिन उसको ना ना बोलना है पॉजिटिवली ना बोलना है ऐसे ना ना बोलना है जैसे सामने वाले को बुरा ना लगे फॉर एग्जाम्पल दोस्त आया है मेरा जिगरी दोस्त है यार वो आया और बोल रहा है कि चल मेरे साथ घूमने चलते आप आपका इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस दोस्त को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई अभी नहीं आ सकता दो घंटा मेरा पढ़ाई का मैंने शेड्यूलिंग किया है तो हम लोग शाम को जा सकते हैं क्या मैं मैं जरूर आऊंगा शाम को मेरा एक घंटे का स्लॉट है मैं यार तुम्हारे साथ आऊंगा फिर मैं इंजॉय कर पाऊंगा नहीं तो ये काम मेरे दिमाग में रहेगा अगर वो आपकी बात सही तरीके से सुने तो आपका वो सच्चा दोस्त है अगर आपको वो वो डिप्राइव कर रहा है है ना आपकी स्टडीज से तो वो आपका दोस्त नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखो तो आप उसको ना बोलो लेकिन ऐसे कि उसको बुरा ना लगे तो ये दो है ना दूसरा और तीसरा उसको ना बोलना है आपके अर्जेंट काम के बीच में ये नहीं आना चाहिए यानी आपके इंपॉर्टेंट काम के बीच में नहीं आना चाहिए और ये चौथा क्वाड्रेंट है जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करनी है अगर इसके ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे मैक्सिमम टाइम यू विल बी इन वन परसेंट कैटेगरी जो लोग राज कर रहे इस दुनिया पे सो आर यू ऑल विद मी आप सब लोग हो मेरे साथ सो वेयर शुड यू फोकस मोर आपको ये ध्यान में आ रहा है कि कहां पे मेरा टाइम ज्यादा जा रहा था आज तक ओके तो मुझे वहां से वो नहीं करना ये नहीं बोल रहा हूं ना मैं व्हाट्सएप यूज मत करो फेसबुक यूज मत करो आप वीडियो गेम मत खेलो आप मैच मत देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मत करो लेकिन सभी इंपॉर्टेंट काम के होने के बाद ऐसे काम जो आपको आगे लेके जाएंगे वो होने के बाद जो वक्त बचेगा ना उसमें वो करना है और अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि ये सभी जो काम जो मुझे आगे लेके जाने वाले हैं जिंदगी में वो करने के बाद मेरे पास वक्त बचेगा क्या तो उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा तो so, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है ये एक्सपेरिमेंट किया गया ये जो आपको बड़ा जार दिख रहा है ना ये वो चौबीस घंटे है जो हमें मिलते हैं जिंदगी में ये चौबीस घंटे जो हमें मिलते हैं ये वो जार है यहाँ पे आपको एक बाउल दिख रहा है जिसमें रेत है रेत ये वो दूसरे और तीसरे कैटेगरी के काम है जो अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं अर्जेंट भी नहीं और इम्पोर्टेंट भी नहीं यहाँ पे कुछ पेबल्स आपको दिख रहे हैं ये दूसरे वाले जार में दूसरे वाले बाउल में ये पेबल्स है छोटे छोटे पत्थर ये वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम है जो आप आधर किसी को पास ऑन कर सकते हो या फिर आपको खुद को करने है और फिर उसके बाद ये जो है ना ये बड़े बड़े पत्थर है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट यानी जो काम आपको आगे लेके जाएंगे आपका स्टडी प्रिपेरेशन हेल्थ पे काम रिलेशन पे काम फाइनेंसिस पे काम ये वो वाला जार है ओके okay, तो अभी है ना जब आप लोग मैक्सिमम टाइम इस पे वेस्ट करते हो यानी ये पहले हम लोगों ने इस वक्त में डाल दिया उसके बाद अगर ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाले काम डालने गए और उसके बाद ये करने गए तो क्या होता है ये इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखेगा और उसके बाद अगर आप उल्टा जाओगे यानी ये पहले काम ये करोगे उसके बाद अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाले काम करोगे उसके बाद ये दूसरी तीसरी कैटेगरी वाले काम करोगे तो क्या होता है ये आपको देखने को मिलेगा सो अस सी दिस एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो तो कहां पे आप टाइम स्पेंड करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेसमैन हो प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो

देखो जहां पे आप ज्यादा फोकस करोगे वो चीजें आपके लाइफ को डिसाइड करेगी आपका लाइफ जाएगा कहा जैसे मैंने बताया कि ये टाइम है ये दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट जिसे हम लोगों को ना बोलना है ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क और ये जो है वो अर्जेंट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअल में आपको लाइफ में आगे लेके जाएंगे तो अगर मैंने अपने टाइम में ये चीजें ज्यादा डाल दी यानी इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो देखो टाइम के स्लॉट में मैं अगर इस रेत को डालता हूं दूसरे या तीसरे क्वाड्रेंट को डालता हूं तो क्या होता है पहले अभी उसके बाद देखो अर्जेंट इंपॉर्टेंट वर्क अचानक से ध्यान में आता है कि लास्ट डे वर्क है बॉस कल असाइनमेंट सबमिट करनी है तो चलो इसके ऊपर काम करें अभी देखो जो वक्त बचा उसमें हम लोग जो काम अर्जेंट नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है वो करने जा रहे तो इसमें सभी आए आपका करियर आया आपके रिलेशन आए आपकी हेल्थ आई हाँ आपके फाइनेंसेस आए तो देखो वो भर गया जार फिर भी आपके वो काम बाकी है राइट अगर उल्टा करें हम लोग पहले ये क्वार पे अगर हम लोग टाइम इन्वेस्ट करें जैसे कि आप देख रहे हो कि एक एक करके वो सभी चीजें जो अर्जेंट नहीं है आज लेकिन इम्पोर्टेंट है वो हर एक चीज पे मैं काम कर रहा हूँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ स्टडी कर रहा हूं प्रिपेरेशन कर रहा हूं एंट्रेंस एग्जाम की हर कोई चीज रिलेशन पे काम कर रहा हूं तो देखो ये पहले हम लोगों ने इस जार में डाल दिया अभी जो चीजें अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है और जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते उसको हम लोगों को डालना है वो कोई और नहीं कर रहा है मुझे ही करना है तो चलो मैंने इसको भी टाइम में डाल दिया टाइम स्लॉट में डाल दिया ओके okay? तो देखो अभी भी वो बाकी है तो ये जो है ना जिसे मैंने कहा शुरू में आप ना बोल दो तो आप देखो ये भी टाइम स्लॉट में अगर आप डालने जाओ तो आपको पता चलेगा कि भाई काफी वक्त बचा है जब मैंने प्रायोरिटाइज किया वक्त को सभी चीजें जो मुझे आगे लेके जाएगी उसके लिए वक्त निकाला तो ये चीजों के लिए भी वक्त मिलता है देखो 24 घंटे में आपने सब कुछ किया फिर भी आपके पास कुछ टाइम बचा सो आर यू ऑल विथ मी आप हो सब मेरे साथ यू अंडरस्टैंड सो देख ये एक एग्जाम्पल है आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग अगर इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है तो प्लीज टाइप इंटरेस्टिंग वाओ टू गुड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच यस वेरी गुड तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहां पे मेरा वक्त ज्यादा जा रहा है तो आप वो मत करो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा तो आप देखो ये चार क्वाड्रेंट ये चार क्वाड्रेंट में से आपको सबसे पहले ये क्वाड्रेंट पे काम करना है चौथा वाला क्वाड्रेंट जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है राइट उसके बाद ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट जो आप अवॉइड नहीं नहीं कर कर सकते सकते और किसी को पास ऑन भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर काम करना है और उसके बाद भी वक्त बचेगा उसमें ये सब करो ना भाई दिन भर में टाइम निकालो एक पंद्रह मिनट खाली मैं व्हाट्सएप और फेसबुक को चेक करने के लिए बीच बीच में निकालूंगा दिन भर में मैं दो तीन स्लॉट्स निकालूंगा पंद्रह पंद्रह मिनट के जिसमें मैं व्हाट्सएप और फेसबुक चेक करूंगा लेकिन उसके आगे पीछे मैं व्हाट्सएप या फेसबुक को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाऊंगा तो देखो ये प्रायोरिटीज के हिसाब से आपको काम करना चार क्वार लेकिन सबसे पहला क्वारंट अर्जेंट नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट दूसरा क्वार्रंट अर्जेंट इम्पोर्टेंट तीसरा और चौथा क्वार्रंट उसके बाद वक्त मिले तो वो सब भी करना है सो आई होप कि आप सब लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है तो देखो हम लोगों को ये कैसे शेड्यूल फिक्स करने टास्क को शेयर करेंगे तो देखो आपके कौन से फिक्स शेड्यूल्स है यानी ऑनलाइन सेशन होगा आपका कुछ पार्ट टाइम जॉब होगा या और कोई क्लासेस होंगे तो वो वो निकालो कि ये ये चीजें ऑनलाइन ये फिक्स शेड्यूल्स मेरे रहते हैं वो करने हैं ओके उसके बाद अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क जो लास्ट डे पे आए हुए हैं जो कुछ भी करके मुझे आज ही कंप्लीट करने हैं वो टास्क निकालो कौन कौन से टास्क होंगे ओके उसके बाद ऐसे कौन से काम है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है उसको अपने शेड्यूल में लाओ ये कौन से काम है जो मैं दिन भर में कर सकता हूँ उसके बाद वो लोगों की लिस्ट जिसे आपको पर्सनली मिलना है या फिर उनको कॉल करनी है उनसे पूछताछ करनी है उनसे रिलेशन में उनका लिस्ट निकालो उनको कब कॉल करना है हफ्ते भर में सोमवार को किसको कॉल करोगे मंगलवार को किसको कॉल करोगे और उसके बाद हॉबीज और इंटरेस्ट के लिए कुछ भी आपकी हॉबी हो इंटरेस्ट हो उसके लिए क्या क्या करना है उसके लिए कैसे टाइम निकालना है ये सभी को लिस्ट आउट करो और पूरे हफ्ते का शेड्यूल है ना आपको पहले ही बनाना है यानी ये संडे को मैं डिसाइड करूंगा अगले मंडे से लेके अगले संडे तक मैं क्या क्या करने वाला हूँ तो वो सभी हफ्ते के काम ये सवाल के जवाब देके आपको निकालने हैं और आपको हफ्ते भर के शेड्यूल में उसको डालना है ये शेड्यूल टाइम शेड्यूल जो है ना उसका भी एक कॉपी मैं आपको शेयर करूंगा सॉफ्ट कॉपी आप उसी तरीके से टाइम शेड्यूल बना सकते हो सो आर यू ऑलविथ मी सोशल वर्क फैमिली वर्क ये सभी चीजें और ये एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपको काम करना है इट दैट फ्रॉग यानी मेंढक को खाना है यार ये सर आप क्या बता रहे हो मेंढक को कैसे खाए मेंढक को खाना है यानी आपको जो सबसे खतरनाक काम रहता है ना जो सबसे भयंकर काम है जो करना ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन है ना अवॉइड करते रहता हूं मैं कि यार ये जाने दो यार आज नहीं कल करू परसों करू उस काम को पहले ही कर दो जो कुछ भी डिफिकल्ट जैसे कोई एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं पहले इजी इजी सब्जेक्ट को कर लेता हूँ ये डिफिकल्ट टॉपिक मैं बाद में करूंगा जो आपको डिफिकल्ट लगता है ना वो पहले ही कर दो ईट दैट फ्रॉग फ्रॉग यानी वो काम जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो उसको पहले ही निपटा दो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आगे के कामों के लिए आपको ताकत मिल जाएगी और आप ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हो अदरवाइज ये काम को अगर आपने बाजू में रखा तो हमेशा दिमाग में रहता है कि यार ये ये टॉपिक करना बाकी है ये सबसे खतरनाक टॉपिक है इसको मैं नहीं कर पाया हूं ये करना बाकी है ईट दैट फ्रॉक तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसको पहले ही निपटा दो जो सबसे खतरनाक काम है जो आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है उसको पहले ही कर दो उसको अगर आप पहले ही कर दोगे तो वो काम आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो ये टाइम मैनेजमेंट में ये एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है सो आर यू ऑल विद मी सब हो मेरे साथ ओके okay. चलो गुड वेरी गुड सो लेट अस मूव टू बताना चाहूंगा जैसे मैंने कहा कि 1 लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल है नाइन्टी नाइन परसेंट लोग राइटरेस जी रहे तो वो नाइन्टी नाइन परसेंट लोगों को नहीं लगता क्या कि वो भी सक्सेसफुल हो जाए उन्हें भी लगता है ना कि मुझे सक्सेस मिले मेरे पास बहुत सारा पैसा हो मेरे पास घर हो मेरे पास गाड़ी हो मैं फाइनेंशियली फ्री हूं मेरे लाइफ में मेरे आजू बाजू में अच्छे अच्छे लोग हो सबको लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए येस और नो सबको लगता है कि नहीं कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है दुनिया के सात से सात सौ करोड़ लोगों को लगता है कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है राइट right? सबकी इच्छा होती है कि मुझे सक्सेसफुल होना है ये सेशन अटेंड करने वाले आप सब लोगों की मेरी भी इच्छा होती है कि मुझे सक्सेसफुल होना है लेकिन हर कोई बंदा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता कैन एनी बडी टेल मी क्यू हर कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं हो पाता उन्हें सिर्फ लगता है क्या बात है चैतन्य उन्हें सिर्फ लगता है कि सक्सेसफुल होना है लगने से तो कुछ होगा नहीं क्यों ऐसा होता है कि हर कोई बंदा उसे चाहिए उसकी इच्छा है कि मुझे सक्सेसफुल होना है क्यों नहीं हो पाता वो सक्सेसफुल All words and no action. बोलते रहते कुछ करते नहीं लेनेस सुस्त रहते अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहता क्या बात है नको करू क्या बात है शनु लैक ऑफ डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन नहीं रहता उनके पास वाओ वाओ वेरी गुड वेरी गुड आत है गुड 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 सी फर्क क्या होता है ना वो मैं आपको बता दू फर्क दो चीजों का होता है डिजायर वर्सेस पैशन उनकी इच्छा बहुत होती है करने की लेकिन पैशन नहीं होता पैशन यानी वो पागलपन की वो चीज मुझे हर किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट आई हैव टू डू इट कुछ भी करके मुझे ये चीज करनी है डिजायर होने से कुछ नहीं होता नीड टू हैव पैशन और उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि एक खरगोश था एक जंगल में उस खरगोश की ना एक उसके एक क्या बोलते हैं ना उसको एक लग्जरियस ख्वाहिश थी कि हर सुबह वो क्या करता था उसका जो उसका घर जो था ना उसका जो बिल था वो जंगल के एक कोने में था और जंगल के दूसरे कोने में एक तालाब था उस तालाब के किनारे में एक तरह की घास उगती थी एकदम हाइब्रिड ग्रा, ग्रास थी वो तो उसे वो ग्रास बहुत अच्छी लगती थी टेस्टी लगती थी और वो शौक पूरा करने के लिए वो हर सुबह मिलों का डिस्टेंस क्रॉस करके अपने घर से वो तालाब तक जाता था और वो घास खाता था तो ऐसे ही सुबह सुबह एक सुब वो खरगोश गया तालाब के पास और वो घास खा रहा था घास का आनंद ले रहा था नाश्ते का आनंद ले रहा था ब्रेकफास्ट कर रहा था और तभी उसको पता चला कि उसके पीछे झाड़ी में कोई है और उसको डाउट आ गया श्योर श्योर डाउट कि वो चीता है अभी चीता आप लोगों को मालूम है कि जंगल में सबसे फास्ट दौड़ने वाला जो जो जानवर है वो चीता है और चीता भी वहां पे बैठा है नाश्ता करने के लिए और उसका नाश्ता क्या होगा तो खरगोश खरगोश को पता चल गया कि अभी चीता पीछे है है कुछ ही पे है, वो कभी भी मुझ पर झपकेगा और अपना खेल खत्म लेकिन उसने सोचा कि भाई ये घास खाने के लिए मेरा ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं मिलो दौड़ के यहां तक आ गया तो मैं आसानी से शिकार क्यों करूं यार थोड़ा चांस तो लेते हैं ट्राई तो करते हैं वैसे तो गूगल पे भी सर्च करो तो यही मिलता है कि चीता सबसे तेज भागता है खरगोश तो चीते से तेज नहीं भाग सकता लेकिन लेटेस्ट टेक द चांस दिस इज द फाइनल चांस दूसरा तो मिलने वाला है नहीं उसने सोचा दौड़ना है जैसे ही चीता उसके ऊपर लपका खरगोश ने दौड़ना शुरू किया वो दौड़ने लगा दौड़ने लगा तो चीता मन ही मन हंसने लगा <laughs> कितना दौड़ेगा हाँ कभी ना कभी तो हा मजे हाथों लगना है माजापेक्षा फास्ट तो हाथ शकत ना ये तो काली पत्थर पे वो सफेद लाइन है कि इसको मैं पकड़ूंगा ही कुछ भी करके लेकिन वो दौड़ रहा था खरगोश दौड़ रहा है और एक वक्त ऐसा आया कि खरगोश चीते से भी तेज दौड़ने लगा वो दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा, रहा है चीता उसके पीछे दौड़ रहा है खरगोश की स्पीड बढ़ी चीते ने अपनी स्पीड बढ़ाई चीते की जैसी स्पीड बढ़ी खरगोश और तेजी से दौड़ने लगा तो अभी एक वक्त ऐसा आया कि खरगोश जो है वो चीते के हिसाब से बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ने लगा और फिर चीते को अभी लगा कि यार भाई अभी तो इज्जत का सवाल है अभी इसको नहीं पकड़ूंगा तो सारे जंगल में थूथू हो जाएगी सब लोग बोलेंगे क्या यार खरगोश को नहीं पकड़ पाया तो कैसा चीता है वो दौड़ने लगा खरगोश ने अपना स्पीड बढ़ाया और एक वक्त आया कि खरगोश उसके घर में घुस गया उसके बिल में घुस गया और अंदर से ही चीते को देखने लगा और बोला भाई हरा दिया तेरे को हरा तुला अभी चीते को भी ना वो बहुत ही यानी उसको अलग ही लगा ये कह रहे ऐसे कैसे हो गया ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि कोई खरगोश चीते से तेज भागा तो उसने बोला कि भाई ये कैसे किया तूने तू तु मेरे से तेज कैसे भाग पाया तो खरगोश बोला भाई देख मैं तेरे से तेज भाग पाया क्योंकि तेरे और मेरे भागने में डिफरेंस था चीता बोला यार ये क्या डिफरेंस है भागने में क्या डिफरेंस हो सकता है तो खरगोश ने उसको पूछा तू क्यों भाग रहा था चीते को पूछा तू क्यों भाग रहा था तो चीता बोला मैं नाश्ता करने के लिए भाग रहा था तो बोला अगर मैं यानी ये नाश्ता तुझे नहीं मिलता तो तुझे दूसरा मिल जाता तो बोला हाँ यार मिल जाता तो इसीलिए तुम्हारे भागने में ना सिर्फ इच्छा थी डिजायर थी और मैं क्यों भाग रहा था क्योंकि मुझे मेरी जान बचानी थी अगर ये जान चली जाती तो दूसरी जान मुझे नहीं मिलने वाली थी तो मेरे भागने में जो था ना वो पैशन था तो दोस्तों जब आप जीने मरने के हिसाब से अगर कोई काम करो ना ये का, कुछ भी करके मुझे करना है वो पागलपन अगर आपके अंदर आ जाए ना वो चौथे कॉड्रन पे काम करने के लिए तब भी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो सिर्फ डिजायर होने से कुछ नहीं होता वॉट यू नीड टू हैव इज पैशन इन यू आप में पैशन होना जरूरी है सो आर यू ऑल विद मी आपने जो कुछ भी डाला है वॉट यू टू डू इज आपको पैशन डेवलप करनी है अपने अंदर वो कुछ भी करके करना है कुछ भी हो जाए मुझे वो चीज करनी ही है ओके सो थैंक यू सो मच यू ऑल पीपल आर विद मी यू ऑल पीपल आर इंटरव थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सो दोस्तों हर कोई जमीन का टुकड़ा इट कैन बी ए प्रोस्पेक्टिव पैलेस यू नो उसके ऊपर पैलेस बनाया जा सकता है वो जमीन का टुकड़ा जो है ना वो पैलेस में कन्वर्ट हो सकता है यस और नो कोई भी जमीन का टुकड़ा इट कैन बी कनवर्टेड इनटू पैलेस लेकिन जब तक बांधा जाता नहीं उसका पैलेस होता नहीं आप जब तक उसके ऊपर तालेस नहीं बांधोगे वो नहीं होगा तो हर आप हर एक में वो कैपेसिटी है कि आप अपने लाइफ में कुछ अलग कर पाओ कुछ ऐसा कर पाओ जो आने वाले जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है कुनातरी माइक चालू है बंद कराल का सुकून कोई माइक चालू रहना है यस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सो आप हर एक में वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप एंट्रेंस एग्जाम पास हो सकते हो आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो इंजीनियर बन सकते हो आप साइंटिस्ट बन सकते हो आप नासा में जा सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन वो करने के लिए जो चीजें चाहिए वो क्या होती है वो हमें आगे देखनी पड़ेगी And that, that thing is motivation. आपको क्या लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन आई नीड मोटिवेशन यार कोई तो हो जो मुझे मोटिवेट करे। तो विनोद सर रोज आए और मुझे मोटिवेट करे रोज पांच मिनट मुझे कुछ ऐसा बताए कि जिससे मैं वो दिन भर है ना अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो हर एक को लगता है कि यार आई नीड टू बी मोटिवेटेड टू डू दिस ये चीज करने के लिए मुझे मोटिवेट होना जरूरी है तो कैन एनी बडी टेल मी बॉडीज मोटिवेशन मोटिवेशन का मतलब क्या होता है करना तो चाहता हूँ लेकिन वो motivation ही नहीं आता अंदर से एनर्जी एंड पैशन कंसिस्टेंसी एंड ग्रोइंग एवरी डे टाइप ऑफ एनकरेजमेंट बिलीव वॉटनु वेरी गुड वेरी गुड ऐसे ऐसे आंसर आए मोटिवेशन क्या होता है Self -improvement is motivation. Wow.

सिंपली है ना थोड़ा सा ये मोटिवेशन का फंडा मैं आपको क्लियर करता हूँ जैसे कि स्वप्निल सर ने भी मुझे इंट्रोड्यूस करते वक्त बोला कि कोई मोटिवेशनल सेशन होने वाला है सो so, प्लीज ये मोटिवेशन वर्ड से थोड़ा अपन बाहर आते हैं मोटिवेशन का मतलब क्या होता है मुझे कोई एक चीज करनी है और वो चीज करने के लिए जो बूस्ट चाहिए ना जो एनर्जी चाहिए वो चीज करने के लिए दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन ओके तो एक सवाल है ना हमेशा रहता है कि मैं 24 घंटा मोटिवेटेड रह सकता हूं क्या कैन वी स्टे मोटिवेटेड फॉर 24 फोर आवर्स चौबीस घंटा तो है ना जरूरी ही नहीं है कि आपको 24 घंटा मोटिवेटेड रहना है कोई भी नहीं रहता इस दुनिया में कोई भी बंदा वो कितना भी अमीर हो वो वन परसेंट वाले लोग हो देवर हंड्रेड परसेंट मोटिवेटेड फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स हर एक मोमेंट वो मोटिवेटेड नहीं रहते और उसका जरूरत भी नहीं है क्योंकि मोटिवेशन यानी आपको जो चीज करनी है उसके लिए जो बुश चाहिए ना दैट इज मोटिवेशन तो अगर मुझे पढ़ाई करनी है मैंने सोचा कि मुझे एक घंटा ये चीज पढ़नी है मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो बुश चाहिए दैट इज मोटिवेशन तो उसके बियॉन्ड यार कभी कभी तो ऐसे भी सोचो ना कि यार थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूं पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा या मैं ढंग से सो भी लेता हूँ छह घंटा सात घंटे की नींद भी मैं पूरी कर लेता हूँ उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है नहीं सो so मोटिवेशन ये वर्ड है ना थोड़ा सा मिसलीडिंग है तो उसको पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे जाते हैं और ढेर सारे वीडियो देख लेते हैं लेकिन वो ढेर सारे वीडियोज में से जो कुछ भी अपने को मिलता है वो एक एनर्जी होती है जो कुछ मोमेंट के लिए होती है या एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए उसके बाद वो सब हवा निकल जाती है सो so मोटिवेशन ये वर्ड से थोड़ा सा बाहर निकलो लेट मे आस्क यू वन क्वेश्चन जंगल में सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा है Can anybody tell me, जंगल में सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली जानवर लायन है ना लायन से भी ज्यादा ताकत जो है सबसे ज्यादा ताकत जो है वो हाथी में है हाथी सबसे शक्तिशाली जानवर है ओके okay. सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है हाइट में सबसे लंबा जंगल का अमिताभ बच्चन कौन है यार जिराफ क्या बात है वेरी गुड जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट सबसे लंबा एनिमल जो है वो जिराफ है सबसे होशियार कौन है फॉक्स क्या बात है फॉक्स सियार सबसे होशियार राइट चतुर सबसे ये फॉक्स है सबसे होशियार दिमाग इसका है और सबसे तेज जानवर कौन सा है सबसे तेज जो हम लोगों ने अभी देखा पिछली स्टोरी में चिता क्या बात है चिता वाव सो जंगल में सबसे शक्तिशाली जानवर है हाथी सबसे ऊंचा सबसे लंबा जानवर है जिराफ सबसे होशियार है फॉक्स और सबसे तेज है चीता तो अगला सवाल यह है कि जंगल का राजा कौन है लायन वाव जंगल का राजा है लायन शेर तो शेर जंगल का राजा क्यों है दोस्तों वो जंगल का राजा क्यों है वो ना हाथी के इतना शक्तिशाली है ना जिराफ के इतना हाइटेड है उसकी इतनी हाइट नहीं है उसकी ना वो फॉक्स की तरह होशियार है ना वो चीता की तरह तेज है फिर भी लॉयन जंगल का राजा क्यों है किसी ने सोचा है इस बारे में क्यों राज कर रहा है वो उसके पास दम है उसके पास प्राइड है एटीट्यूड है क्या बात है ऐसे ऐसे जवाब आ रहे हिम्मत है उसके पास उषा गैंग, गैंग है उसके पास उसका गैंग है उसके पास ओके ओके आदर्श उसका गैंग है उसके पास क्या बात है गुड वो ग्रुप में रहता है अरे वो रजनीकांत का डायलॉग नहीं सुना क्या सुअर झुंड में आते हैं शेर अकेला आता है। शेर सबसे ज्यादा ताकतवर सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है सबसे ज्यादा नहीं है सबसे ज्यादा होशियार नहीं है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट नहीं है स्पीड नहीं है उसके पास फिर भी वो जंगल का राजा क्यों है क्योंकि उसके पास क्या है मालूम है उसके पास डैड है क्या है उसके पास डैड है उसके पास डैड है तो आप लोग बोलोगे तो डैड तो मेरे पास भी है राइट लेकिन ये डैड अलग है ये डैड यानी उसके पास तीन चीजें हैं ये तीन चीजों की वजह से ना शेर और अलग है उसके पास डिटर्मिनेशन है वो डिटरमाइंड है उसने मन में ठान लिया कि ये चीज करनी है तो हर हाल में वो करता है उसके पास एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है कि मुझे उसे मालूम है कि अगर मैं एक्शन ना लू तो कुछ नहीं होने वाला है अगर मुझे ये चीज पानी है मुझे शिकार करनी है तो मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन डिसिप्लिन उसके पास है अनुशासन है शिश्ता है तर तो डिटरमाइंड है निर्धार पक्का है एक्शन ओरिएंटेड तो तैयार है एक्शन गए तैयार है एंड डिसिप्लिन है तो शेर जब सुबह उठता है उसको भूख लगती है उसको शिकार चाहिए तो वो देखता है क्या कि कोई मोटिवेशन मिलता है क्या देखता हूँ मैं मैं कोई वीडियो सर्व करता हूँ यूट्यूब पे थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाता हूँ फिर वो मोटिवेशन मिले तो मैं शिकार के पीछे भागूंगा नहीं ना बॉस उसको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं चाहिए वो डिटरमाइंड रहता है मन में ठान लेता है कि मुझे शिकार करनी है तो मुझे हिरन की शिकार करनी है मुझे किसी और की शिकार करनी है वो डिटरमाइंड होता है उसको मालूम होता है कि ये करने के लिए मुझे भागना पड़ेगा एक्शन लेनी पड़ेगी और सबसे जो स्लो भागेगा ना उस शिकार को मुझे पकड़ना है और उसे मालूम है ये सब चीजें करने के लिए अनुशासन चाहिए डिसिप्लिन चाहिए राइट तो ये तीन चीजें उसके पास है वो चीजें अगर हमारे अंदर आ जाए तो ये सब शेड्यूल फॉलो करने के लिए डू आई नीड सम्बडी टू मोटिवेट मी वो आए मुझे मोटिवेट करे और मुझे बोले कि भाई ये शेड्यूल अभी फॉलो कर नहीं चाहिए क्यों चाहिए मोटिवेशन हम लोगों को डिटरमाइंड हो जाओ कि मुझे ये करना है क्योंकि वो करना ही है बॉस right खर्चा किया है मेरे पापा मम्मी पापा ने आई इन्वेस्टेड लॉट ऑफ एनर्जी दे है मुझे इससे बेहतर इससे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी ना कोई है नहीं लाइफ में डिटरमाइंड तो हो जाओ कि मुझे ये शेड्यूल फॉलो करना है एक्शन ओरिएंटेड रहो भले ही कुछ भी हो मुझे ये काम करना ही है एक्शन लेते जाओ और डिसिप्लिन लाओ अनुशासन लाओ आपके लाइफ में तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे तो आप यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन यू नीड डैड फॉर दैट दैट डैड इज डिटर्मिनेशन एक्शन एंड डिसिप्लिन सब लोग मेरे साथ ओके यस वेरी गुड कुछ दस मिनट आगे पीछे हो जाए तो चलेगा ना दोस्तों दस मिनट थोड़ा आगे निकल जाए हम लोग वाह वाह पीपल आर सो स्वीट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दोस्तों एक चीज आपने कभी ऑब्जर्व की है कि आपके दिमाग से है ना एक आवाज हमेशा निकलती रहती है जो आपसे बात करती है कभी कभी सुने आपने वो आवाज आप लोगों ने एक आवाज है जो हमारे दिमाग में हमेशा हमसे बात करती रहती है राइट right? वो हम हमसे हमसे हमेशा बात करती रहती है <coughs> अंदर की आवाज या चैतन्य अंदर की आवाज हर वक्त हर वक्त वो अंदर की आवाज <coughs> मुझसे बात करती रहती है मुझे परेशान करती रहती है राइट right? ये जो आवाज हमेशा आती है कितने लोगों को लगता है कि ये मेरी मन की आवाज है मेरी खुद की आवाज है ये मैं ही हूं जो अपने आप से बात कर रहा हूं कितने लोगों को लगता है चैतन्य प्रकमेश सोहम सारा को लगता है हर्षल सिद्धार्थ सगत की आप तो आवाज अपन है बरोबर तो चलो पहले ना हम लोग इस भ्रम से बाहर निकलते बिफोर दैट प्लीज होल्ड फॉर ए सेकंड होल्ड फॉर ए सेकेंड तो हम सबको लगता है दोस्तों कि ये हमारे अंदर की आवाज है जो हमें बता रही है कि ये चीज करो ये मत करो वो हमेशा बताती रहती है ये सही है ये गलत है ये करो ये मत करो हमारे अंदर की आवाज हमें ऐसा लगता है कि ये आवाज ही है जिसको मुझे फॉलो करना है ये हमारे अंदर की मन की बात है जिसको फॉलो कर रहा है तभी मैं लाइफ में कुछ कर पाऊ राइट ये अंदर की आवाज यानी अनफॉर्चुनेटली निगेटिव चीजें हमसे ज्यादा बात करती है किसी ने ऑब्जर्व किया है इसको इट किप्स टेलिंग यू निगेटिव थिंग्स वो आपको है ना किसी चीज से दूर करने की कोशिश ज्यादा करती है ये मत कर यानी जाना अभी क्यों कर रहा है ये अंदर की आवाज हमें हमेशा परेशान करती रहती है और हमें क्या लगता है मालूम है कि ये आवाज है ना ये मई हो ये आवाज मुझे जो बता रही है ना तो वो मुझे करना चाहिए और आप वो कर देते हो तो पहले तो एक, एक चीज आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हो आपको मालूम है कि जो चीज हम लो, हम लोग जब लोगों ने जन्म लिया था ना वी ऑल वे आर फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क हम लोग फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क थे हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं था एकदम इनोसेंट थे हम लोग बाद में एक एक चीज हमारे दिमाग में भरने लगे हमारी फैमिली हमारे आजू बाजू वाले लोग हमारा समाज टीवी हर कोई चीज जो जिससे हम लोगों ने इंटरेक्शन किया उससे हर एक चीज हमारे अंदर बढ़ती हमारे अंदर आती गई और वही हमारी बिलीफ सिस्टम बन गई जिसको हम लोग बोलते हैं समझूत अपने मराठी अपन बोलते समझूत बिलीफ हमारी सोच और ये सोच जो है ना वो सोच इज नॉट द इटरनल ट्रुथ ये एंटायर ट्रुथ नहीं है इसके ऊपर मैं और एक्सप्लेनेशन दे पाता लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन सोच लो कि ये सोच जो है ना वो बचपन से जो चीजें हम लोगों ने सुनी देखी उसी से ये सोच बनी है दैट सोच इज नॉट द होल ब्लडी ट्रूथ और उसी को हम लोग सच मानते आए हैं तो ये सोच है ना वो हमारे अंदर की आवाज बनी है जो हमसे बात करती रहती है वो हमारे ऊपर लिमिटेशन डालती रहती है वो हमें बताती रहती है कि ये कर ये मत कर ये सही है ये गलत है और उसे हम लोग फॉलो करते रहते हैं ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं तो यही वो आवाज है जब आप सोचते हो कि सुबह छह बजे उठ के मुझे पढ़ाई करनी है छह बजे का अलार्म आप लगाते हो वैसे छह का नहीं लगाते वो अलग अपना स्ट्रेटेजी रहता है छह बजे उठना है तो पहले अपन साढ़े पांच का अलार्म लगाते हैं फिर फाइव फोर्टी फाइव का लगाते हैं फिर छह को पांच मिनट कम और फिर छे का अलार्म फिर हम लोग कैसे सोचते हैं कि साढ़े पांच बजे अरे हाँ छह बजे को छह बजने को और तीस मिनट बाकी है सो लेता हूं फिर और पंद्रह मिनट बाकी है सो लेता हूँ फिर चलो और पांच मिनट बाकी है सो लेता हो फिर छह बजे का अलार्म लगता है जब आपको उठना है जैसे ही वो अलार्म बजता है आपके अंदर की आवाज आपको बताती है कि भाई जाऊ जाऊ देना बंद कर झोप दे कशाला काम कल से करते आज क्यों करता है देख कितनी ठंड है कितना अच्छा लग रहा है ले ले ब्लैंकेट ऊपर सो जा आराम से और हम लोग बोलते है चलो मेरा अंदर का आवाज मुझे ये बता रहा है ना मैं इसको फॉलो करता हूँ अभी सो जाता हूँ मी और क्या करते हो आप अलार्म को बंद करके सो जाते हो सो प्लीज फ्रेंड्स ये चीज आप समझ लो कि आपके ये अंदर की आवाज यानी आप नहीं हो वो आपकी सोच है एंड दैट सोच इज नॉट द ब्लडी इंटरनल ट्रूथ तो आपको क्या करना है ये फाइव सेकेंड का रूल यूज करना है फाइव सेकेंड का रूल क्या होता है मालूम है आपने जो ठाना है ना कि करना है वो जब आपके मन में आया उससे पांच सेकंड से पहले शुरू करो क्योंकि पांच सेकेंड के बाद वो आवाज इन्वॉल्व होने लगेगी वो इंटरफेयर करने लगेगी वो आपको बताने लगेगी कि ये कर या मत कर तो पांच सेकंड तक आपका ब्रेन एक्टिव नहीं होता जब आप सोचते हो ना ये करना है पांच सेकंड तक ब्रेन को टाइम होता है एक्टिव होने के लिए कि वो इंटरफेयर करे उससे पहले ही वो करो यानी अलार्म बजा बंद करो और पांच सेकंड से पहले उठ जाओ जो कुछ भी चीज ठान लिए ना सोचा है कि चलो मेरे पापा को कॉल करना है बहुत दिनों से मैंने ऐसे उनसे बात नहीं की है वैसे भी वो लेट आते हैं या कुछ है इंटरक्शन नहीं हुआ है कॉल करके खाली पूछू कि कैसे है आपके, आपकी तबियत कैसी है क्या है कॉल किया वो काम पे है आपने कॉल किया बोला सिर्फ पापा पूछना था खाना खाया क्या ये वो खत्म लेकिन आपने सोचा कि वो कॉल करना है कॉल करने गए पांच सेकंड के आगे गए ना तो आप ऐसा हो जाएगा कि वो ब्रेन आएगा बीच में जाने दोने यार पापा बिजी रहेंगे क्यों कॉल कर रहा है क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहा है ये कर ये मत कर जैसे सोचा कि पापा को कॉल करना है फोन उठाओ को, को, का, पापा को कॉल करो फाइव सेकेंड के अंदर आपको वो करनी है चीज फाइव सेकेंड के बाद ब्रेन इन्वॉल्व होने लगता है और वो आपको डिप्राइव करता है वो चीज करने से आर यू ऑल विथ मी सो यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन यू नीड टू डू इट बिफोर विद इन द फाइव सेकेंड जब दिमाग में आया पांच सेकेंड से पहले वो चीज कर दो हो जाएगा तो दिस इज फाइव सेकेंड रूल यू हैव टू फॉलो ओके जो आपको चाहिए ना अपने अंदर हर रोज वो चीज करने के लिए कैसा है ना कि कोई भी चीज को हमारी आदत बनने के लिए 21 दिन लगते हैं जिसको 21 वन डेज हैबिट बोलते हैं आप टाइम शेड्यूल फॉलो करने लगो ना तो 21 दिन बाद वो आपकी आदत बन जाती है यानी 21 दिन अगर मैं रोज सुबह छह बजे उठू अलार्म लगा के तो 22वें दिन है ना आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुद से जग जाओगे विदाउट अलार्म कैन अप वो हैबिट बन जाती है अपनी कोई भी हैबिट इमीजिएट डेवलप नहीं होती उसको 21 दिन लगते हैं और उसको लाइफस्टाइल बनने के लिए तीन महीने लगते हैं तो अगर आप 21 दिन कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करो तो 22वें दिन आप करोगे ही वो आपकी हैबिट बन जाएगी और तीन महीने बाद तो वो आपकी लाइफ बन जाएगी नाइन्टी डेज लगते हैं अपनी पूरी सेल्स को चेंज होने में हमारे सर से लेके पाओ तक जितनी सारी सेल्स है थर्टी फाइव ट्रिलियन सेल्स को बदलने के लिए पूरा का पूरा बदलने के लिए तीन महीना लगता है नाइन्टी डेज लगते हैं और वो नाइनटी डेज के बाद है ना वो आपकी लाइफ बन जाएगी आप आपको जमेगा नहीं वो चीज करने से तो कोई भी हैबिट आपने अभी डेवलप किए ना ज्यादा मोबाइल पे चैटिंग करने की हैबिट या कुछ भी गलत हैबिट वो भी ऐसे एक दिन में डेवलप नहीं हुई है वो कंसिस्टेंटली आप करते गए और वो डेवलप होती गई तो उसी तरह से अगर आप वो कंसिस्टेंटली नहीं करोगे या कम करोगे तो वो हैबिट निकल जाएगी वैसे ही जो हैबिट आपको लगाना है वो कंसिस्टेंटली करते जाओगे तो हैबिट लग जाएगी इक्कीस दिन कम से कम आपको वो करना है उसको ट्वेंटी वन डेज हैबिट ऐसे बोला जाता है सो यू नीड टू बी डिसिप्लिन एंड यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी हर हाल में वो करना ही है जो आपने सोचा है आपने इस बंदे को कभी देखा है कैन एनीबडी रिकॉग्नाइज हिम कहीं तो ये दिखी देखी सीरियल सूरत है राइट right? या yeah, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है डू यू नो दिस स्टोरी ये कॉलर्नल सैंडर्स है एट द एज ऑफ 60 ही बिकम बैंकक्राफ्ट बैंकक्राफ्ट यानी मालूम है ना उसकी सभी जायदाद को बेच के भी उसके कर्जे नहीं जाएंगे वो पूरा रास्ते पे आ गया वो भिकारी बन गया राइट right? उसके पास कुछ भी नहीं है तो ऐसी उसकी सिचुएशन हुई एज ऑफ जब हमारे रास्ते पे एक फुटपाथ पे वो बैठा है उसके सामने खाली दो ऑप्शन है नंबर वन एक तो मैं भीख मांगू नंबर टू मैं सुसाइड कर लू एक तो भीख या तो आत्महत्या इन दोनों के अलावा उसके पास कुछ

उसके बारे में मैं सोचता हूँ और मेरे पास क्या है तो है तो कुछ भी नहीं भाई सभी कुछ मैं बेच बाच के अभी रास्ते पे आ चुका हूं तो क्या है तो मेरे पास मेरा दिमाग है ऐसी कौन सी चीजें जो मेरे पास अलग है जिसका मैं यूज करके जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ देखो एट द एज ऑफ सिक्सटी थिंकिंग लाइक दिस और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एट द एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं क्या उनके लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि उनको सुसाइड करनी कभी नहीं सोचा इस, सोचना इसके बारे में याद आया कि जब वो उसके घर में मेहमान आते थे तो वो कुछ चिकन की डिशेज बनाता था अलग तर, तरीके की जिसे खाके लोग खुश हो जाते थे और बोलते थे यार क्या बढ़िया डिशेज बनाता है तू तू होटल क्यों नहीं खोल लेता तो उसने सोचा यार मैं होटल खोल सकता हूँ ये बढ़िया आइडिया है लेकिन उतनी भी बढ़िया है नहीं होटल खोलना है तो तुझे फाइनेंस कौन देगा पैसा कौन लगाए तेरे तेरे ऊपर पैसा कौन लगाएगा वो सोचने लगा कि पैसा तो कोई देगा नहीं मैं क्या करूं तो फिर उसको एक आइडिया आया उसने सोचा कि मैं किसी होटल के पास जाता हूं उनको बताता हूं कि मेरे पास अलग अलग डिशेज बनाने की रेसिपी है चिकन डिशेज बनाने की आप मुझे आपके होटल में रख लो मैं वो डिशेज बनाऊंगा उसका कुछ भी शेयर होगा वो आप मुझे दे दो वाह क्या आइडिया है कोई तो होटल वाला उसको मानेगा ही वो गया पहले ही होटल में गया उसका फटा हुआ वो कोट उसके कपड़े देख के वो पांच छह दिन से नहाया नहीं है वो सब देख के उसको पहले ही वो जो दरबान था ना होटल के गेट पे उसने उसको भगा दिया अच्छा दूसरे होटल में वो दरबान ने उसको अंदर ले लिया रिक्वेस्ट करने के बाद लेकिन जो मालिक था उसने उसको भगा दिया तीसरे होटल में मालिक ने उसकी सभी चीजें सुन ली उसके सभी आइडियाज को सुन लिया और बोला ये वर्कआउट नहीं होने वाला भाई तू निकल जा ऐसा कर कर के वो जब भी किसी होटल से बाहर निकलता था तो क्या होना चाहिए था तीन बार चार बार पांच बार दस बार रिजेक्ट हो चुका है एक तो पहले ही लाइफ में कुछ नहीं रहा उसके हाथ में अभी वो रिजेक्टेड है हर कोई उसको रिजेक्ट कर रहा है कितने अटेम्प्ट कर सकता है ये बंदा दस दस लोग ना बोल रहे पंद्रह लोग ना बोल रहे हैं हम लोग तीन चार लोग ना बोले तो हम लोग बोलेंगे नहीं भाई कोई नहीं मदद कर रहा नहीं होगा मेरा ये ये आइडिया नहीं चलने वाला दस पंद्रह बीस नहीं एक हजार बहत्तर में वो गया वन थाउजेंड सेवेंटी टू हॉटेल ही एक हजार बहत्तर होटल में उसको रिजेक्शन मिली उसकी रेसिपीज को रिजेक्ट किया गया लेकिन एक हजार तिहत्तर जो होटल था ना वन थाउजेंड सेवेंटी थर्ड उसने उसकी आइडिया को माना बोला ठीक है ट्राई तो करते उसने उसके साथ पार्टनरशिप की शेयरिंग बेस पे उसके बाद चार पांच साल ने उसी पार्टनरशिप में उसने इतने पैसे कमाए कि उसने खुद का एक होटल खड़ा कर दिया और उसके बाद वो होटल जो है ना आगे जाके एम्पायर बन गया जिस एम्पायर को हम लोग जानते हैं के के नाम से दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहा पे के ना हो एंड दिस पर्सन इज कॉलेनल सैंडर्स जो आप के पे देखते हो ये बूढ़ा बूढ़ा नहीं है यानी उम्र तो शरीर की होती है दिमाग की कभी नहीं होती एट द एज ऑफ ही स्टार्टेड हिज सिक्स इनिंग और उसने एक एम्पायर खड़ा किया जो अभी हिस्ट्री है है हर देश में ब्रांचेस सो आर यू ऑल मी सो नेवर फील कि मुझे नहीं हो रहा है मुझसे नहीं हो रहा है आप ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हो बॉस नहीं होने के सो बहाने अपने पास होते हैं लेकिन ये कैसे कर सकता हूं उसके ऑप्शंस अपन नहीं ढूंढते आप ऑप्शंस ढूंढिए डिमाइंड रही है एक्शन ओरिएंटेड रही, है, रही है, अपने करते उसको जब हर मुझे अलग तरीके से बोलना चाहिए मेरे आइडिया अलग तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए ऐसे इंप्रूवाइज करते करते वन थाउजेंड ने ना बोल के भी वन रेस्टोरेंट ने उसकी मानी और उसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास था दोस्तों ये इतिहास रचने की ताकत हम सब में है आर यू ऑल मी आप हो सब लोग मेरे साथ वाओ टू गुड टू गुड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग पेन और प्लेजर का है ना इक्वेशन आप समझ लो जो चीजें वो कर रहा था एक हजार बहत्तर होटल्स में उसको रिजेक्शन मिल रही थी सो इट वाज अ पेन ना पेनफुल रहता रिजेक्शन इज पेनफुल हमेशा तो वो ना वो पेन को पेन की तरह नहीं लेता था वो सोचता था कि आज ये जो पेन है ना मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है सो आर फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको आज पेनफुल लगेगी लेकिन लॉन्ग टर्म वो आपको बेनिफिट देगी वो आपकी जिंदगी सुधारेगी वो आपकी जिंदगी बनाएगी लेकिन कुछ चीजें ऐसी है आपकी लाइफ में जो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देगी शॉर्ट टर्म प्लेजर मजा आएगा वो चीजें करने में लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको पेनफुल हो जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी तो ये ना प्लेन प्लेजर का इक्वेशन आप ध्यान में रखो कुछ चीजें जो शॉर्ट टर्म प्लेजर दे रही है लेकिन लॉन्ग टर्म प्लेन पेन देगी ऐसी कौन सी चीजें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं वीडियो गेम खेलना एंग्रोस्ड रहना अलग अलग गेम्स में ना पबजी खेलना शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है मजा आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एडिक्शन है ये हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए परेशान करने वाला है हमारी जिंदगी जो है ना वो खराब करने वाला है सोशल मीडिया पे पड़े रहना दिन भर शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर है अच्छा लगता है किसी से चैट करो वो सब देखते रहो वीडियोस को सर्व करते रहो यूट्यूब पे अच्छा लग रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये पेनफुल है कोई भी आप शराब की आदत हो सिगारेट की आदत हो आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए ये प्लेजर देगा आपको लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इट इज पेनफुल सो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये चीज है जो शॉर्ट टर्म प्लेजर दे रही है लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो मेरे लाइफ के लिए डेंजरस है तो मैं उनसे दूर रहूंगा और दूसरा होता है जो चीजें आपको शॉर्ट टर्म पेन देती है लेकिन लॉन्ग टर्म प्लेजर देगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो एक्सरसाइज करना तो किसको अच्छा लगता है बॉस कोई बॉडी बिल्डर हो उसका वो पैशन है उसको अच्छा लगता है लेकिन मैं वो जिम में जाऊं पैसा भरू और पैसा देके वजन उठाऊ यार किसने बताया यार ये सब करो इट इज पेनफुल ना वो पेनफुल प्रोसेस लगता है लेकिन ये शॉर्ट टर्म पेन है हमें मालूम है कि अगर ये चीज मैं करू ना आज तो आगे जाके मुझे एक अच्छी हेल्थ मिलेगी रोज एक्सरसाइज करू योगा करूँ मेडिटेशन करूँ रोज मैं स्टडी करूँ इट इज पेनफुल शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टडी मेरा जिंदगी बनाने वाला है मैं जो एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ ये मेरी जिंदगी बनाने वाला है रिलेशन पे इन्वेस्ट करना रिलेशन पे टाइम इन्वेस्ट करना शॉर्ट टर्म के लिए पेनफुल होता है यार क्या यार मैं घर में टाइम देता मैं तो दोस्तों के साथ मजा करता हूँ बाहर जाके

और अगर आपको निगेटिव आपको अगर मोटिवेटेड रहना है हमेशा तो सबसे पहली चीज करो कि निगेटिव से दूर रहो तो निगेटिव लोग सोशल मीडिया की निगेटिविटी टीवी चैनल पे दिखाने वाली निगेटिविटी न्यूज चैनल पे दिखने वाली निगेटिविटी इससे दूर रहो अगर इफ यू वॉन्ट टू बी मोटिवेटेड और निगेटिव लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है उनको हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम दिखता है जो पॉजिटिव लोग हैं वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे राइट हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढेंगे निगेटिव लोग क्या करेंगे हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढेंगे आप उन्हें कुछ भी अच्छा बताने जाओ तो वो बुरा कैसा है वो आपको बताते रहेंगे तो so, इन लोगों से दूर रहो सोशल मीडिया की निगेटिविटी से दूर रहो ना निगेटिव पोस्ट मुझे पढ़नी है वो किसी धर्म के बारे में हो जात के बारे में हो वो देश की दुर्गति के बारे में हो कोई भी निगेटिव पोस्ट है ना उसको मुझे नहीं देखना है ना ही मुझे उसको फॉरवर्ड करना है ना मैं खुद देखूंगा ना मैं उसको सोशल कर दूंगा तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है किसी का माइक चालू है माइक किसी का माइक चालू है पांच मिनिटा मारे हा शेवटा पॉइंट अपन ओके आप लोगों ने जब साइंस में एडमिशन ली यू नो बहुत बार ऐसा होता है में क्यों एडमिशन ले लिया यार कौन इतनी मेहनत करेगा एवडे अभ्यास कौन करना है सभी मेहनत कौन इतना अपना दिमाग तो पढ़ाई में नहीं चलने वाला तो मैं ये क्यों करूँ तो कॉमर्स अच्छा है बाबा बेहतर है और उतना भी बिजनेस माइंड था तो कॉमर्स में ही जाना बेहतर रहेगा या फिर कोई सोचता है कि चलो आर्ट्स में ही जाते हो तो और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए राइट आप लोगों ने साइंस चुना आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम चुने आगे जाके कुछ बड़ा करना है आप लोगों को डॉक्टर एमबीबीएस में एडमिशन लेना होगा डॉक्टरी में लेना होगा या इंजीनियर बनना होगा तो आप लोगों को मालूम है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत खिसके पढ़ाई करनी है हम लोगों को कि जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाऊ राइट तो है ना हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए एक चीज हमें करनी है जो आप लोग कर चुके हो दैट दैट इज इज कॉल्ड लेवल योर चैलेंजेस चैलेंजेस को लेवल अप करते जाओ अगर लाइफ में चैलेंज नहीं तो आप सुस्त हो जाओगे बोर हो जाओगे जैसे हम लोगों ने देखा था स्किल सेट तो बड़ा है आप बहुत होशियार हो बुद्धिमान हो लेकिन आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं है तो आप बोर हो जाओगे अगर आपको भागना है ना कंटिन्यूसली तो चैलेंज को लेवल अप करते रहो उसके लिए एक स्टोरी नहीं बोल सकते इसको एक, फैक्ट एक है जापान के बारे में आपको मतलब जो है ना वो फिश लवर है उनको फिश बहुत अच्छी लगती है तो उनको ना ताजी फिश ही अच्छी लगती है तो एक फिशिंग कंपनी जापान में थी उसने क्या सोचा कि तालाब जो है तालाब में से फिश पकड़ के ताजी फिश हम लोग ताजी मछली ये जापानीज लोगों को खिलाएंगे कस्टमर्स को खिलाएंगे तो वो कंपनी तालाब में से वो फिशेस लाके उनको खिलाती थी लेकिन कभी तो वो तालाब में से फिशेस खत्म होने वाली थी तो उसको लिमिटेशन था तब उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग जहाज लेके समंदर में जाते हैं और समंदर से बहुत ज्यादा मछली पकड़ के लाएंगे तो होता ऐसा था कि वो जहाज लेके बहुत सारी ढेर सारी मछली लानी है तो जहाज का साइज बड़ा होना चाहिए और फिर बड़ी साइज की जहाज को बहुत ही अंदर लेके जाना है समंदर के बीच में लेके जाना है और मछली पकड़नी है तो वो अंदर लेके जाते थे मछली पकड़ते थे लेकिन बहुत दूर जाने की वजह से जब तक मछली पकड़ के वो रिटर्न आते थे लोग बहुत ही होशियार उनको ताजी वाली मछली 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 फ्रेश मच्चली और स्टेल का फर्क समझ समझ में आता था तो वो समझ जाते कि यार ये फ्रीजर वाली मछली है फ्रीजर में रखी वाली हुई मछली हमें नहीं खानी है हमें लाइव हमें जिंदा मछली चाहिए तो इन लोगों ने सोचा कि चलो हार नहीं मानते कुछ करेंगे उन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं ना एक बड़ा फिश टैंक लाते हैं वो टैंक में मछली डालेंगे जो जिंदा मछली पकड़ेंगे उसको टैंक में डालेंगे और उसको लेके आएंगे फिर उन्होंने टैंक बड़ी मछली पकड़ के उसको टैंक में डालना है फिर उसको लेके आना है लेकिन ऐसा होता था कि जिस मछली को समंदर के बड़े पानी की आदत है जब वो टैंक में आ जाती थी ना वो सुस्त हो जाती थी तो उसमें वो एनर्जी नहीं रहती थी और फिर वो मछली भले ही जिंदा हो उसको जब पकाया जाता था और ये जापनीस लोग खाते तो तो उनको पता चलता था कि उसमें वो मजा नहीं आ रहा है जो जिंदा मछली में आता है तो अभी क्या करें तो यार और और दिमाग चलाना चाहिए तो ये लोगों ने ने क्या क्या किया किया उस शिपिंग कंपनी उन्होंने सोची एक बहुत बड़ी सोच बहुत अच्छी सोच लगाई उन्होंने एक शार्क पकड़ी और फिर वो टैंक में डाल दी तो जो मछलियां है अगर शार्क टैंक में है तो शार्क भागता रहेगा पीछे तो ये मछलियां भागती रहेगी और वो जितनी भागती रहेगी उतनी भी उतनी वो जिंदा रहेगी राइट तो उन्होंने शार्क छोड़ी अंदर तो शार्क भले ही कुछ मछलियां खा जाए लेकिन वो शार्क की वजह से बाकी सारी मछलियां भागती रहती है और वो अलाइव रहती है एंड तक जिसकी वजह से जापने लोगों को लगता है कि मैंने फ्रेश मछली खाई है अभी अभी पकड़ के मछली लाई हुई है और मैं खा रहा हूं तो आई थिंक यू ऑल पीपल है अगर आपको जिंदा रहना है तो चैलेंजेस को लेवल अप करना पड़ेगा किसी शार्क को हमारे टैंक में छोड़ना पड़ेगा वो हमारे पीछे भागता रहे तो हम लोग भागते रहे और भागना ये दिली का लक्षण है हमें अगर भागना है भागते रहेंगे तो हम लोग जिंदा है राइट तो आपने वो शार्क ऑलरेडी छोड़ चुके हैं आप एंट्रेंस एग्जाम साइंस में एडमिशन ले चुके हैं वो, वो शार्क जो है आपने ऑलरेडी छोड़ा है और अगर आपको भागना पड़ रहा है तो डोंट टेक इट एज अ पेन ये भागने की वजह से आप लोग जिंदा हो ये एक चीज जो है आपको अपने मन में ठाननी है सो आपको भागना है तो हर सुबह जब है ना हर सुबह जब हिरण जंगल में जागता है तो वो सोचता है कि मुझे इस जंगल के सबसे तेज भागने वाले शेर को पीछे डालना है पीछे डालना है यानी मुझे सबसे तेज भागने वाले शेर से ज्यादा भागना है ज्यादा तेज भागना है तभी मैं जिंदा रह सकता हूं तभी मैं सरवाइव कर सकता हूँ मुझे भागना ही पड़ेगा क्या सोचता है हिरन हर सुबह कि मुझे इस जंगल के सबसे तेज भागने वाले शेर से तेज भागना है तभी मैं जिंदा रह सकता हूं मुझे भागना ही पड़ेगा और जो शेर जंगल में जगता है ना हर सुबह तो वो क्या सोचता है मुझे इस जंगल में सबसे स्लो भागना भागने वाले हिरन को पकड़ना है मुझे भागना ही पड़ेगा तो आप हिरन हो या शेर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको जिंदा रहना है आपको सरवाइव होना है आपको सक्सेस पानी है तो आपको भागना ही पड़ेगा आर यू ऑल विथ मी तो अगर आप भाग रहे हो तो आप जिंदा हो दैट इज ऑल फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज का सेशन आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इनपुट्स लाएगा बहुत ज्यादा चीजें आप यहाँ पे सीख चुके हो इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाओगे जाते जाते एक मेरी पोएम है वो मैं आपको आपसे शेयर करना चाहूंगा ओके okay, तो ये पोएम ये है कि ख्वाब बड़े देखो जैसे आप देख चुके हो बड़े ख्वाब देख चुके हो और बड़े ख्वाब देखे देखेंगे और उसको पाएंगे भी नहीं ना वो चूक भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में हम लोग बहुत आगे निकल चुके होते हैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है लेकिन छोटे ख्वाब देखे और पा भी ना तो कुछ बड़ा नहीं होगा लाइफ में तो हम लोग अपने ही कैपेबिलिटीज पे इनजस्टिस करते हैं तो वो नहीं करना है हम लोगों को तो इसी के ऊपर ये कविता है मेरी ख्वाहिश थी चांद को पाने की ओके तो ये कविता मैं आपके सामने पेश करता हूँ उसके बाद बी ओवर टू स्वप्निल तो कविता है ख्वाहिश थी चांद को पाने की ख्वाहिश थी चांद को पाने की ख्वाहिश थी चांद को पाने की न मिला चांद तो क्या हुआ सितारों में तो गिर गए ख्वाहिश थी चांद को पाने की न मिला चांद तो क्या हुआ सितारों में तो गिर गए छोटे ख्वाब देखे और पा भी लिए तो क्या पाया छोटे ख्वाब देखे और पा भी लिए तो क्या पाया बड़े ख्वाबों के लिए झटे और चूक भी गए तो भरोसा रख मेहनत न जाएगी जाया देखो बड़े तो जिंदगी में।, तो में, में, में आप शामिल हो चुके होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो यानी एवरेस्ट जिन लोगों ने कॉन्क्वेर किया है तो एक अटेम्प्ट में वो नहीं हुआ होगा तो उनको दस पंद्रह सो दो सौ अटेम्प्ट करने पड़े होंगे तब जाके वो एवरेस्ट उन लोगों ने कॉन्क्वेयर की राइट तो कोई भी बंदा जो एवरेस्ट कॉन्क्वेयर करता है और वो फेल होता है बहुत बार फेल होता है वो बीच में जाके उसको वापस आना है या फिर एसेंट ऑफ द एवरेस्ट दे दे हैव हैव बट टू कम बैक ऐसा बहुत बार उनके बारे में होता है तो अगर ऐसा हुआ तो वो उनके उनके माइंड में क्या होगा वो कैसे हार नहीं मानते तो वो क्या सोचते होंगे वो पर्वत से क्या बोलते होंगे वो है ये आखिरी वाला स्टैंडा पर्वत की ऊंचाइयों से हार भी जाऊ चाहे कितनी भी बार पर्वत की ऊंचाइयों से हार भी चाहे कितनी भी बार, फिर से उसी हौसले से, उससे नजर मिला के कहूंगा बनूंगा तेरे सर का ताज में, एक दिन बनूंगा तेरे सर का ताजमह क्योंकि तू और ऊंचा नहीं उठ सकता नादान है तू क्योंकि तू और ऊंचा नहीं उठ सकता नादान है तू लेकिन मेरे अंदर का इंसान जितनी भी बार हारेगा उतनी बार बढ़ेगा एक दिन मेरा तेरी ऊंचाइयों से भी बड़ा हो जाएगा एक दिन मेरा हौसला तेरी ऊंचाइयों से भी बड़ा हो जाएगा उस दिन तू मेरा जुनू अपने सर पे खड़ा पाएगा उस दिन तू मेरा जुनू अपने सर पे खड़ा पाएगा तो दोस्तों बड़े ख्वाब देखो टाइम मैनेज करो जो 24 घंटे आपको मिल रहे हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज करो डिटरमाइंड रहो 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 एक्शन ओरिएंटेड का रूल यूज करो और आगे बढ़ो जिंदगी में आपको इसके आगे भी अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो दलवी ट्यूटोरियल की तरफ से मैं हमेशा आप लोगों के लिए हूँ मेरा यूट्यूब चैनल भी है विनोद मेस्त्री नाम से आप उस पर जाके बहुत सारे वीडियोज है मेरे वो आप देख सकते हो सिर्फ मोटिवेशन नहीं लाइफ के बहुत सारे फंडेज आपको वहां पे सीखने को मिलेंगे तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी टिल हियर और थैंक यू सो मच स्वप्निल सर एंड एंटायर टूटोरियल टीम कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी और ये 200 सौ अढ़ाई सौ अच्छे लोग मेरे जिंदगी में लाए थैंक यू सो मच स्वप्निल सर ओवर टू यू नाउ विनोद सर थैंक यू फॉर वंडरफुल गाइडेंस मुझे yes. लगता है कि आपका ये जो वैल्यूएबल गाइडेंस है uh, बच्चों को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं

बहुत बहुत अच्छे से बच्चों बच्चों ने बहुत अच्छा किया देखा तो 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 आई ऑल स्टूडेंट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन सेशन ठीक है हम लोग ये यस सर हाँ, yes, so, uh, मैं बच्चों को सबको कहता हूँ कि ये सेशन हम लोग अभी इधर एंड करते हैं